आता दिसते का? हो चालू झालं सर. ओके स्टार्ट झाले. ओके ओके चालेल. सॉरी फॉर द इंटरफरन्स, शायद नेटवर्क इश्यू था. जैसा कि हमने शुरू किया था, आज के इस अग्निविद्या व्याख्यान सत्र का आयोजन तिवार किरारे की तरफ से किया गया है, लेकिन इसका प्रयोजन मैं बताने जा रहा है तो, लेकिन शायद यूट्यूब का वो ये हो गया. मैं बता रहा था कि अभी जो बीएमएस को एडमिशन हो रहे, जो जूनियर आ रहे, उनका आयुर्वेद की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाई दे रहा है. और उसी के चलते हमने हमारे डिस्कशन में ऐसा निकला कि हमें एक जूनियर के लिए लेक्चर सीरीज अटेंड करना चाहिए. तो इस वजह से आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट इसलिए डॉक्टर राघव सर के पास सीखे हुए स्टूडेंट्स जैसे कि डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर है, डॉक्टर प्रज्ञा मैडम, डॉक्टर नीतु मैडम तथा हम डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर के सीखे हुए हम स्टूडेंट, इन सभी मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन के अग्निकर्म और विद्ध कर्म का एक व्याख्यान सत्र आयोजन किया, ऐसा विचार हुआ. और इसी के स्वरूप में डॉक्टर राघवोक्ति सर के जन्मदिन से यानी 4 फरवरी से डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर के जन्मदिन तक 18 फरवरी तक एक अग्निकर्म विद्ध कर्म का व्याख्यान सत्र आयोजन करने का निर्णय हुआ. और इसी व्याख्यान सत्र में हमें सबको एक्चुअली अग्निकर्म क्या है या फिर सुवर्ण शलक अग्निकर्म कैसे करते हैं, मृत्तिका शलक अग्निकर्म, लोह शलक अग्निकर्म क्या है तथा उसी के साथ विद्ध कर्म क्या है, विद्ध कर्म कौन से व्याधि में हम कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट में विद्ध कर्म का महत्व क्या है, ये सब हमें सीखने को मिलेगा. आज के व्याख्यान सत्र शुरू करने से पहले आज के व्याख्यान के प्रमुख मार्गदर्शक वैद्य गुरु डॉक्टर रामदास अवाड सर जी का मैं श्री वारकरी आयुर्वेद की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा आज के व्याख्याता डॉक्टर नीता मैडम और डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ. और मेरे जूनियर सीनियर बैचमेट तथा यहाँ सभी जुड़े सभी वैद्य गुणों का मैं श्री वारकरी आयुर्वेद की तरफ से स्वागत करता हूँ. आज का ये सत्र शुरू करने से पहले मैं वैद्य क्षितिज सर जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्वंतरी श्रवण के लिए ये करें. वैद्य क्षितिज सर. हेलो. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुक्तभयमृत्युनाशं धातारमीशं विधोषधीनां संव्योमवातावनिवारिवह्नि पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संपात जरा ज्वरांतकम नमामि धन्वंतरिमादिदेवम नवीन नीलम मुदकांति कांतम शांतम हरिर्द्वादशमाख्यमूर्तिम पूर्तिम शतानाम सुमनोरथानाम नमामि धन्वंतरिमादिदेवम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्. इस प्रकार भगवान धन्वंतरी को नमन करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. धन्यवाद सुनील. जैसे कि सुनील ने बताया, इस व्याख्यान मालों का आयोजन का उद्देश्य यह था कि बीएमएस के सभी विद्यार्थियों को एवं युवा वैद्यों के लिए अग्निकर्म और विद्या कर्म की सभी संभावनाओं से परिचित किया जाए. पूरे भारत से, प्रत्येक राज्य से हमें इस व्याख्यान मेले के लिए ढेर सारा प्यार और आशीष मिला. यह दर्शाता है कि आयुर्वेद की युवा पीढ़ी सीखने के लिए तत्पर है. आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस युवा वैद्य ने अपने कंधों पर ली है. और आयुर्वेद का हमारा जो आयुर्वेद हमेशा आयुर्वेद गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा गया है. जैसे हमें अष्टांग हृदय सूत्र स्तन पहला अध्याय में हम देखते हैं भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सिखाया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने अत्रि पुनर्वसु को
और अत्र पुनर्वसु ने अपने सभी अग्निवेशादि शिष्य को, जब इन देवगण को भी आयुर्वेद सीखने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ा, तब आप और मेरा क्या अपवाद हो रहेगा। ऐसे ही गुरुवर्य आज हमारे इस व्याख्यान माला में मार्गदर्शन करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं परिचय करना चाहता हूँ वैद्य गुरु श्री रामदास आवाजी सर का। पूरे भारत में इन्हें कौन नहीं पहचानता, यह परिचय तो सिर्फ एक औपचारिकता है। महाराष्ट्र के कोपरगांव में सर का धन्वंतरी आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल व वंध्यत्व निवारण केंद्र है। अगर सर के पुरस्कारों के बारे में मैं बताऊं तो यह लेक्चर आज ही खत्म हो जाएगा। सर 25 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सर 7 बार राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु की पद के लिए नामांकित किए गए हैं। सर महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु की पदवी स्वीकार करके संपूर्ण भारत के अनेक आयुर्वेद के शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ाया है और यह कार्य अभी भी निरंतर जारी है। सर गुरुवर नानाजी जोशी इनके शिष्य रहे हैं। वंध्यत्व चिकित्सा में सर का कार्य बहुत ही अद्भुत है। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट चिकित्साएं जैसे जुगुलर रक्तमोक्षण, पेनल रक्तमोक्षण इत्यादि ये सर की खासियत है। स्वकर्तृत्व से जब कोई व्यक्ति महान होता है तो उसकी महानता उसके विनम्रता में झलकती है। ऐसा ही कुछ सर के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सब युवा वैद्य बहुत ही जूनियर्स, जब इस व्याख्यान मालों का आयोजन करने का हमारा प्लान हुआ तो मन में एक इच्छा थी कि आवर्ड सर के मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, पर सर इतने बड़े वैद्य, उन कैसे पूछे, उनकी विनती, उन अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब हमारे मन में संकोच था। और इस संकोच के चलते 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर हमने हिम्मत जुटाई और सर से कॉल किया और सर को रिक्वेस्ट किया, सर हमारे व्याख्यान माला के लिए आप मार्गदर्शन करें। और सर ने बड़ी ही विनम्रता के साथ में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बड़े आदमी कैसे बड़े बनते हैं इसका ही एक उदाहरण है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वैद्य श्री रामदास आवर जी सर को कि वे इस व्याख्यान माला के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। नमस्कार, पहले वैद्य राब गोप्टे सर के परम पावन स्मृति को, अरे विजू हेलो हेलो हाँ सर हेलो हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर हाँ हेलो हेलो सर आवाज हेलो सर आवाज नहीं आ रही आप के परम पावन स्मृति को हेलो सर अभिवादन करता हूँ। हेलो सर हेलो हेलो सर आवाज कट रही है आपकी। हेलो 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 आवाज आ रहा है? काफी आ रहा है
हेलो, हाँ सर अभी आ रहे हैं। हेलो, हाँ ये गलत प्रयोग करने पर ये गलत से तुझे अपन लाम ये गलत तुझे अपन मिला नहीं पर देखने जा रहे हेलो सर आवाज बीच बीच में कट रहा है आपका नेटवर्क इशू मधुम मधुम कट आता कनेक्ट कर रहा है हेलो 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 आवाज आता हो सर आता है तो आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित आज के दो दिग्गज व्याख्याते मित्रवर्य वैद्यराज चंद्रशेखर जी और नीता मैडम जी सम्माननीय आयोजक और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों सबसे पहले दो बातों के लिए मैं आयोजकों को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। नंबर एक राबा गोप्ते सर जिस कार्य के लिए मशहूर थे उस कार्य को इस वेबिनार के द्वारा आप आगे चला रहे हैं। वैद्य राबा गोप्ते सर विद्य कर्म के लिए पूरे भारत वर्ष में मशहूर थे फेमस थे तो उन्हीं का ये कार्य आज इस वेबिनार के द्वारा आप आगे चला रहे हो। और नंबर दो इस वेबिनार के लिए आपने जो दो दो व्याख्यातों को चुना है उनका चयन किया है उनमें से वैद्य चंद्रशेखर तो विद्य कर्म के लिए अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी मशहूर होते जा रहे हैं और दूसरे व्याख्याते हैं सौ डॉक्टर नीता मैडम जी जो कि गोप्ते सर की लाडली शिष्या रह चुके हैं। गोप्ते सर का सहवास मुझे इतना नहीं मिला इसलिए मैं खुद को थोड़ा सा दुखी मानता हूं लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो निश्चित ही अच्छा है। मैं खुद को और हम सबको इस बात का अभिमान होना चाहिए। हेलो हेलो हाँ हम सबको अभिमान होना चाहिए कि भगवान ने रुग्ण सेवा करने हेतु हमें आयुर्वेद के लिए चयन किया है आयुर्वेद के लिए चुना है। मैं तो खुद को हमेशा पद्मा पदम भाग्यशाली समझता हूँ कि आयुर्वेद के कारण आज हम जो भी है ये आयुर्वेद के कारण है और आयुर्वेद के अलग अलग पंचकर्म के लिए मिले हैं उनमें से ही एक छोटा सा कर्म जिसे हम कह सकते हैं बिंद कर्म या प्रच्छान कर्म या वेदन करते हैं और उसके बाद में उनके चेहरे पे जो हंसी आती है उस हंसी को देखकर बड़े गर्व से हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है पंच कर्म के रूप में अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो ऐसे कई चमत्कार हम देखते हैं। अग्निकर्म एक छोटा सा कर्म है लेकिन उसके जो उपयोगिता है उसके जो फायदे है ये काफी अच्छे है। कई पेशेंट में हम देखते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस जो सुबह उठने के बाद एड़ी में दर्द होता है और उसमें रक्त दृष्टि का संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में यदि हम रक्त मोक्षण करते हैं तो उसका थ्रॉबिंग पेन जो होता है ये उसके बाद में चला जाता है लेकिन कई बार रक्त मोक्षण के बाद में धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होकर वो पेशेंट नेक्स्ट टाइम जब आता है तो कहता है कि दर्द हो रहा है तो उस समय दर्द किस प्रकार का होता है यदि तुम पूछते हो तो उसमें प्रिकिंग पेन्स होते हैं और ये प्रिकिंग पेन्स वात प्राधान्य के होते हैं और इसमें यदि हम अग्निकर्म एडी के जगह पे यदि करते हैं तो उसके बाद में ये दर्द पूरी तरह से जाते हुए दिखाई देता है। कई बार आम वात में हम देखते हैं कि दोनों हाथ जो होते हैं ये पूरी तरह से स्टिफ हो जाते हैं तो हस्तांगुली पर्व संधि जहाँ होते हैं वहां पे यदि हम अग्निकर्म करते हैं तो तुरंत जैसे लॉक खोलते हैं वैसे उस तरीके से उसका वहां का स्टिफनेस गायब हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर ये आजकल डायबिटिक पेशेंट में काफी कॉमन पाया जाता है तो ऐसे फ्रोजन शोल्डर में एक बार वंशन अंश बस्ती के बाद में यदि हम वहां पे अग्निकर्म करते हैं
और यदि भारत माता की जय बोलते तो तुरंत उसी खुशी में तुरंत ऊपर हाथ करके जय बोलता है, यानी उसका जो हाथ ऊपर ने उठता है वो एक अग्निकर्म के बाद में उसकी मूवमेंट फ्री हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि केलॉइड, ये आजकल एक कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू एक बर्निंग इश्यू दिखाई दे रहा है। कई आईटी इंजीनियर, मेरे पास अभी 5-6 पेशेंट आईटी इंजीनियर पुणे से आते हैं जो कि केलॉइड के कारण शादी ही नहीं कर रहे हैं। तो यदि रिपीटेडली बार बार अग्निकर्म वहां पे करते हैं तो 2-3 महीने में वो पूरा केलॉइड फ्लैट हो जाता है और जस्ट कार वहां पे बचता है। तो ऐसे यूपी का एक आईटी इंजीनियर है जो अभी शादी करने ही यूपी में चला गया, जो कि शादी ही नहीं करने वाला था। कई बार हम देखते हैं कि बेल्स पॉलिसी होती है जिसे हम आर्दित कहते हैं, फेशियल पॉलिसी होती है, तो उसके बाद में आंख ये पूरी तरह से नहीं मिट पाते, या टॉसिस हम जिसे कहते हैं कि आईलिड जो होता है अपना नेत्र पटल वीक होता है और वो गिर जाता है। तो ऐसे पेशेंट में यदि आईलिड पे यदि हम अग्निकर्म करते हैं, स्मूथली अग्निकर्म यदि करते हैं तो उसका वो टोन आ जाता है और उसका गिरना जो होता है दौर्बल्य कम होते हुए दिखा देता है। कई बार हम देखते हैं कि कदर वाले भी कई पेशेंट आजकल दिख रहे हैं जिसमें दहन कर्म हम कर सकते हैं और रिपीटेडली जो बार बार होता है, जो ऑपरेट करके होता है फिर से वहां पे कदर आ जाता है। तो ये डीप यदि अग्निकर्म हम करते हैं, दहन कर्म करते हैं, तो दोबारा वहां पे नहीं होता है। ऐसे कई अग्निकर्म की चंद्रशेखर जी और नीता मैडम आपको कहेंगे क्यों दो इमरजेंसी अग्निकर्म से चलती है, ऐसे भी कई हमने देखे हैं। एक अनुभव जो कि इसके पहले मैंने कई वेबिनार में कहा है लेकिन अग्निकर्म से रिलेटेड इसलिए दोबारा मैं कहना चाहता हूँ। मई के महीने में मेरे मिसेस का मामा का लड़का जो कि मेरा अभी नाते से साला लगता है, उसके एंगेजमेंट का प्रोग्राम नासिक में होने वाला था और वो काफी हेफ्टी है, 96 kg वेट था, काफी मोटा था। तो उसके पिताजी जो कि अर्ली एज में यानी एज के 35 ईयर्स में हार्ट अटैक से गुजर गए थे, तो उसके एंगेजमेंट के प्रोग्राम चल रहा था। अंदर जब ड्रेस मिला और ड्रेस चेंज करने हेतु जब गया तो एक 10 मिनट में उसका फ्रेंड दौड़ते हुए मेरे पास आया और उसने कहा कि जीजा जी आप अंदर चलिए, बंटी को छाती में काफी दर्द हो रहा है। और जब मैं अंदर गया दौड़ते हुए तो वो उसने शेरवानी आदि पहनी थी और हाथ ऐसे चेस्ट पे पकड़ के जस्ट मुंह खुला के खुला था और आए एकदम शब्द थे उसके और पूरा पसीने से लथपथ था। कोई भी डॉक्टर ये सोचेगा कि ये इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक है, लेकिन एक महीने पहले उसकी सब इन्वेस्टिगेशंस कर चुका था मैं, सब नॉर्मल थे। जस्ट उसके फ्रेंड को पूछा सही में क्या हुआ, उसने कहा जब शूज की लेस बांधने वो झोंका तो तुरंत उसको ऐसा दर्द शुरू हो गया। तो ये लक्षण थे, मस्कुलर पेन्स था, ये मैंने वहां पे मेरा मन में ठान लिया कि मस्कुलर पेन्स है, अतने उनको कट कर पड़ता। और तुरंत मेरे वॉलेट में ही स्वर्ण शलाका थी, स्वर्ण शलाका उसके फ्रेंड को कैंडल लाने के लिए कहा, माचिस लाने के लिए कहा और हैंडकरचीफ में ही उसको शलाका को पकड़ के गर्म करके उसका ये जो हाथ था चेस्ट पे, ये जो हाथ था तो बीच बीच में जहां जहां स्पेस थी वहां पे अग्निकर्म के दाग मैंने दिए। पहले दाग दिया तो थोड़ा सा वो दचक गया, सेकंड में और थर्ड में उसने हाथ सैल कर दिया और हाथ नीचे उसके छोड़ के जोर से सांस उसने उच्छ्वास छोड़ा और अब अच्छा लग रहा है, ऐसे कहा। अब वो इमरजेंसी यदि मेरे पास अग्निकर्म का अस्त्र नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास लेकर जाना पड़ता। वहां पे ईसीजी के बाद में उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह देते और उसे एडमिट करने के बाद में उसकी एंगेजमेंट 100% रुक जाती। तो उसके एंगेजमेंट की इमरजेंसी जो थी ये अग्निकर्म से उस समय टली थी। तो इस प्रकार से कई अग्निकर्म के किस्से आज हमको सुनने को मिलेंगे, किस प्रकार की शलाका चाहिए, कौन सी शलाका श्रेष्ठ होती है, कौन से व्याधि में कहाँ पे अग्निकर्म करना है, ये मुझसे ज्यादा मुझे लगता है चंद्रशेखर जी और नीता मैडम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आज ये वेबिनार देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस वेबिनार के बाद में आप सब ये अग्निकर्म अपने प्रैक्टिस में डेफिनेटली लाएंगे और अपने मरीजों को उसका उपयोग करते हुए उनको आप व्याधि मुक्त करेंगे। और जब ये सब युद्ध कर्म फैलेगा तब स्वर्गलोक में बैठे गोप्टे सर को डेफिनेटली संतोष हो जाएगा और ये कार्य इसके आगे भी उनके जितने भी शिष्यगण आगे चलाएंगे। ये कहते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आयोजकों को और आज के दोनों भी व्याख्याताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपका मार्गदर्शन एवं शुभकामनाएं हम सदैव अपने हृदय में रखकर कार्य को आगे करते रहेंगे। आपका रुग्ण अनुभव हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व का है और आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद ही हमारी असली पूंजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब इस व्याख्यान माला के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया तब हमें अनेक राज्यों से स्टूडेंट्स के कॉल आए और हमें जम्मू कश्मीर से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह से कॉल आए। हमें केरल और तमिलनाडु से भी कॉल आए। मुझे एक कॉल याद है, एक यंग डॉक्टर था जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसने हमें कॉल किया और उसने हमें पूछा क्या ये सेमिनार सिर्फ अग्निकर्म और विद्ध कर्म के ऊपर है, क्या ये 15 दिन का सेमिनार आप एक ही विषय पर लोगे। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यह व्याख्यान माला सिर्फ और सिर्फ अग्निकर्म एवं विद्ध कर्म के ऊपर है। अब आयुर्वेद एक ज्ञान का सागर है और इतने सारे विषयों में हमने सिर्फ अग्निकर्म और विद्ध कर्म को ही क्यों चुना, तो इसका एक, वो भी 15 दिन के लिए, इसके पीछे का एक कारण बताता हूँ। हमें लगता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं है, पर जैसा कि सर ने अभी हमें बताया उनके इमरजेंसी केसेस में कैसे अग्निकर्म का उपयोग होता है, वैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है जब मैं सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था और एक 8 साल की छोटी बच्ची कन्वर्जेंस के लिए एडमिट थी। आगे के चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा था, पर लॉकडाउन का समय था और उसकी माताजी बहुत परेशान थी कि इसे अब कैसे लेके जाए। तब मैंने उनके माताजी की कंसेंट लेके उस छोटी बच्ची को विद्ध किया और विद्ध करने के बाद उसके कन्वर्जेंस रुक गए। तो ही विद्ध कर्म का चमत्कार है। इसे ही हमें सभी वैद्य तक के पहुंचाना है। आयुर्वेद के सभी विद्यार्थी और युवा वैद्य को अग्निकर्म और विद्ध कर्म के बारे में जानकारी मिले, इसलिए ही यह सेमिनार आयोजन किया गया है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। ओके, कैन यू सी मी डॉक्टर सुनील? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। हमें परिचय देना चाहता हूँ डॉक्टर नीता काला मैडम का। मैडम ने तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से अपना यूजी कंप्लीट किया है, उसके बाद तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से ही रोग निदान विषय में पीजी की है। वर्ष 2012 से मैडम गोप्ते सर के पास में अग्निकर्म और विद्ध कर्म सीखना शुरू किया और तब से ही वे रुग्ण उपचार में सक्रिय थे। 2 वर्ष गोप्ते सर से अग्निकर्म और विद्ध कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में मैडम ने अपना स्वतंत्र क्लिनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापन किया है। मैडम के परिचय में सबसे खास बात यह मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में आयुर्वेद ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, इस पर मैडम काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल का रुग्ण अनुभव, इसके साथ साथ पिछले ही महीने में मैडम ने व्रण रोपण औषध पर पेटेंट हासिल किया है। जो दुष्ट वन होते हैं या जिसे हम नॉन हीलिंग वुंड्स कहते हैं, वे जल्दी से ठीक हो, ऐसा फॉर्मुलेशन जो औषधि योग है मैडम ने खुद बनाया है। इसे बर्न्स, वुंड्स, पाइल्स, फिशरी नैनो, स्टोमाटाइटिस, नॉन हीलिंग वुंड्स, बेड सोर्स जैसे अनेक अवस्थाओं में यह फॉर्मुलेशन बहुत सफलतापूर्वक यूज किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स अद्भुत है। साथ ही रेडियोथेरेपी के बाद में जो वुंड्स होते हैं उसमें भी यह बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर गोप्ते सर ने अग्निकर्म और विद्ध कर्म पूरे भारत भर में आयुर्वेद के शिष्यों तक पहुंचे, इसलिए आयुर्वेद के अग्निकर्म और विद्ध कर्म के बारे में बुक लिखी थी और ये बुक मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में थी। पर हमें कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये हिंदी लैंग्वेज में भी हो तो इसका बहुत यूज होगा। तो मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर नीतू काला मैडम अब बहुत जल्द ही इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिश करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नीतू काला मैडम को कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम प्लीज। नमस्कार, सबसे पहले मैं श्री वारकरी आयुर्वेद को इस सत्र के आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि सर के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आपने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि विद्ध और अग्निकर्म, वैसे देखा जाए तो अगर हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं तो 5 मार्क्स के लिए बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं,
ऑप्शनल करके सोचते हैं, किसी ने कोई ये नहीं सोचता है कि विद्या और अग्नि कर्म आगे प्रैक्टिस में क्या उपयोग में आ सकता है। जो लोग पुणे में रहते हैं या फिर जो जिन्होंने राघव गुप्ते सर के बारे में पहले से पढ़ा है, उन लोगों को पता है कि विद्या और अग्निकर्म कितना अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम लोग चरक में पढ़ते हैं कि बस्ती चिकित्सा ये अर्ध चिकित्सा है, वैसे ही सुश्रुत में रक्तमोक्ष ने अर्ध चिकित्सा कही गई। ठीक है, तो हम जो विद्या कर्म करते हैं वो रक्तमोक्षण ही है, लेकिन रक्तमोक्षण को कुछ जो लिमिटेशंस है वो विद्या कर्म में नहीं आते। हम जो 26 नंबर की नीडल छोटी बोर वाली यूज करती है तो उससे ऑलमोस्ट एकदम थोड़ा सा ही पेन रुकना को होता है। जैसे एक तो चीटी काटती है इतना ही समझ में आता है, या थोड़ी सी सुई की नोक लगती है इतना ही रुकना को ध्यान में आता है। जब हम लोग ब्लड लेटिंग करते हैं, रक्तमोक्षण करते हैं, तो रक्तमोक्षण में होता है ऐसे है कि बहुत से लोगों को जब वो रक्तमोक्षण करने जाते हैं तो पहले से उस रक्त का फोबिया होता है। हम लोग जब पेशेंट को रक्तमोक्षण की सारी प्रोसीजर समझाते हैं तो पेशेंट वहीं से मुकर जाता है, कहता है कि नहीं आमला हम लोगों को खून देखने के बाद में कैसे तो भी पता है, चक्कर आते हैं। तो बहुत से जो पेशेंट्स रहते हैं वो रक्तमोक्षण के लिए विलिंग नहीं होते। तो रक्तमोक्षण को लगने वाला जो टाइम है वो विद्या कर्म से थोड़ा सा ज्यादा है। विद्या का ऐसे है कि जहाँ पे सिराए हम लोगों को दृश्य नहीं होती है वहां से भी हम लोग आसानी से विद्या कर्म कर सकते हैं। आज का मेरा जो पॉइंट है वो जाने से पहले मैं वैद्य रावत गोप्टे सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन रहता था तो हम लोग मतलब सर को एक्चुअली ऐसे कभी पसंद नहीं आता था कि हम लोग केक लेके जाए या सर का बर्थडे बहुत बड़ा सेलिब्रेट करें। सर गुस्सा करते थे हम लोगों को, चंद्र कुमार देशमुख सर और मैं, हम लोगों को सर का पहले से ही पता था कि सर इन सब चीजों को नहीं मानते। वो सिर्फ यही कहते थे कि मेरा काम है ज्ञान देना और आप लोगों का क्या काम है वो ज्ञान लेके आगे पहुंचाना। हम लोग मतलब खुद की बढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन ये कहेंगे, मतलब इस बात की सर को भी हमेशा कहीं तो भी लगता था कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट को सिखाया। अगर सर की हम लोग 50 इयर्स की भी प्रैक्टिस कंसिडर करते हैं तो एक साल में 20 भी अगर स्टूडेंट कंसिडर करते हैं तो कम से कम 1000 विद्यार्थी तो भी आज ऐसे होने चाहिए थे कि जो विद्या और अग्निकर्म करते भी है और आगे की पीढ़ी को दे भी रहे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग ये सब नहीं देख पाते। जब सर का देहांत हुआ 2015 में, तब सर के बाद में ये सब आगे कौन लेके जाएगा, ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। तब बाई चांस देशमुख सर वहीं पर थे, देशमुख सर से हमने बात की, पद्मनाभ गुप्ते सर से बात की, तो फिर हम लोगों को लगा कि एक वही व्यक्ति ऐसी है डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर की, जिन्होंने राघव गुप्ते सर ने विद्या और अग्निकर्म जैसे सिखाया है वैसा ही विद्या और अग्निकर्म वो आगे लेके जाए, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करे। मतलब जैसे हम लोग अभी बहुत से वैद्यों के बारे में ऐसे देखते हैं कि वो नीडल्स को कहीं तो भी कोई मशीन लगाते हैं और फिर बताते हैं कि यही विद्या कर्म है, तो ऐसे गलत तरीके से उन्होंने ये सामने नहीं लाया। मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज के इस अवसर पर कि उन्होंने जैसे हम लोगों को लगता था सर जाने के बाद में कि सर ने जो सिखाया है वही आगे वैसे के वैसे जाना चाहिए, तो वो सही तरीके से आगे लेके जा रहे हैं आज आपके जैसे सारे वैद्य कि जो सर के स्टूडेंट है। ठीक है, वैद्य राघव गोप्टे सर के स्टूडेंट में से कुरवा मेहता मैडम करके है, बहुत से बार आप लोगों को शायद से पता भी नहीं होगा, मैडम का तो हम दोनों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। नए और चंद्र कुमार देशमुख सर एक दो साल ही सर के साथ रह पाए, लेकिन पूर्वा मेहता मैडम जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल सर के साथ में रही है और हम लोगों से भी ज्यादा नॉलेज उनके पास है। लेकिन रहता है ना कि जैसे गुप्ते मैडम हमेशा कहते थे कि स्त्रियों को भगवान ने गर्भाशय दिया और गर्भाशय के साथ में सारी जो जिम्मेदारियां है वो भी दे दी, उसकी वजह से मैडम शायद से आज प्रैक्टिस नहीं कर रही, लेकिन अगले 4-6 महीने में जैसे ही मैडम प्रैक्टिस शुरू करेंगे मैं आप सब लोगों को बता ही दूंगी कि मैडम ने प्रैक्टिस शुरू की है। जैसे आप लोग हम दोनों से रेफरेंस लेते हैं मुझसे या चंद्र कुमार सर से, वैसे बाकी के वैद्य और मैडम के पास भी जा सकते हैं, आपको और एक मतलब प्रॉपर राघव गुप्ते सर के पास जो विद्यार्थी सीखे है उनके पास से आपको सीखने का और एक मौका जो है वो मैडम दे पाए। सर के जैसे गुरु मिलना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं पहले तो गुरु वंदना करके फिर मेरे लेक्चर की शुरुआत करूंगी। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा, मैडम आपने श्वास कास व्याधि में विद्या और अग्निकर्म ये टॉपिक लिया, उसका तो सिर्फ एक ही रेफरेंस आया है और आप आधे घंटे का लेक्चर उसमें कैसे ले पाओगी। मैंने कहा आप एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि एक सिर्फ फ्लो या एक सिर्फ रेफरेंस आपको
पूरे संहिता के अंदर से कैसे लेके आएगा, फिर आपको इस डिसीज के ऊपर से बाकी का समझ में आएगा कि आपको इधर डिसीज ऐसे ही कैसे पढ़ने। ठीक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। राघव गुप्ते सर को वंदन करके मैं मेरा लेक्चर शुरू करती हूँ। मैडम तुम्ही म्यूट झालात। माझं पीपीटी दिसत नाहीये, एकच मिनिट। चार पेपर आले। गुरु वंदना के बाद में हम लोग अभी विद्या कर्म के श्वास श्वास और कास्ट वैली में वित्त कर्म कैसे आया है ये देखेंगे। जब मेरा पीजी को एडमिशन हुआ रोग निदान में, तब मुझे सर के पास जाके एक्चुअल में जैसे दुष्ट कर्म जिसे कहते हैं वैद्य को दुष्ट कर्म होना चाहिए ऐसे ग्रंथों में आया है, दर्शतिकार्थ शास्त्र दुष्ट कर्म सचित बिशप। तो ये योग अगर मैं शायद से रोग निदान में अगर पीजी करने के लिए टीवक में एडमिशन नहीं ले पाती तो मुझे सर के पास जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। अभी हम यहाँ से जाते थे हेतु की तरफ, श्वास कास के कास अगर श्वास कास और हिक्का ये ऐसे मैंने एकत्रित क्यों लिया है ये पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। श्वास कास और हिक्का की जो हेतु है वो एक साथ बताए गए। ठीक है, जैसे रुग्ण हमारे पास आता है तो हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि सिर्फ आया पेशेंट और पिक कर दिया या आया पेशेंट और अग्निकर्मा कर दिया और बात खत्म। एक्चुअल में ऐसे नहीं रहता है। जब हम लोग विद्या या अग्निकर्म करते हैं तो हमें पेशेंट जो आता है उसके हेतु से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो पेशेंट इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं तो उन्हें बहुत से बार जो बहुत से डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उनकी वजह से एलर्जी आई हुई रहती है और उसके बाद ये संप्राप्ति जो है वो होके उसके बाद हेलो हाँ हेतु के बाद में ही संप्राप्ति होती। ठीक है, अगर हमें हेतु ही रुग्ण की नहीं पता हो अगर हमें रुग्ण के हेतु ही नहीं पता होगी तो हम लोग निदान परिवर्तन कैसे कर पाए। और जिस प्रकार के हेतु होते हैं उसी प्रकार की संप्राप्ति जो है वो आगे बढ़ती है। अगर हम लोग हेतु रुग्ण में नहीं ढूंढेंगे तो हम हेतु निदान परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे और संप्राप्ति भंग भी नहीं कर पाएंगे। श्वास कास और हिक्का, अभी हम लोग अगर सोचे हिक्का में तो विद्या या अग्निकर्म आया ही नहीं, लेकिन हेतु के हिसाब से तीनों के भी हेतु के एक बताए गए। ठीक है, श्वास और कास इन दोनों में भी वात और कफ इन दोनों ही दोषों की दृष्टि कही गई है, तो इसीलिए ये सारे हेतु जो है ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में संप्राप्ति, संप्राप्ति में जब हम देखते हैं तो वात और कफ इन दोनों का ही प्रादुर्भाव इसमें बताया गया है। बहुत कम ऐसे रुग्ण हम लोगों ने आज तक के देखे है जिनमें थोड़ा सा पित्त का अनुबंध भी होता है। जब पित्त का अनुबंध होता है तब हम लोग वैसे भी विद्या कर्म ही सिर्फ इसमें आया है, अग्निकर्म का तो कोई रोल नहीं, लेकिन जहां जहां पित्त का अनुबंध रहता है वहां पे हम लोग अग्निकर्म एक तो थोड़ा सा कम करते हैं। स्लाइड शेयर के लिए ओके हाँ। सर स्लाइड्स दिख रही है या नहीं? दिख रही है मैडम, दिख रही है। ओके हाँ, कुछ तो जहाँ पे पित्त का अनुबंध रहता है वहां पे अगर हम लोग अग्निकर्म करते हैं तो ऐसे इसमें हम लोगों को अग्निकर्म की जो मात्रा रहती है वो थोड़ी कम देनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखने जैसी। ठीक है, अभी ऐसे होता है कि वात जो है वो एक तो कफावृत भी हो सकता है या फिर प्लेन वात सिर्फ वात की दृष्टि से भी ये संप्राप्ति हो सकती है।
सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह होता है कि जब हम लोग विद्या करते हैं तो हम लोग शमन चिकित्सा के बारे में भूल जाते हैं। जब हम लोग शमन चिकित्सा के बारे में सोचेंगे तो इसका जो उद्भव स्थान बताया है ये आमाशय से उद्भव बताया है, ठीक है। जैसे हम लोग तमक श्वास की अगर संप्राप्ति लेते हैं तो तमक श्वास की संप्राप्ति में सबसे लास्ट में जब चिकित्सा बताई गई है तो चिकित्सा में उन्होंने अनुलोमन मतलब पक्वाधनि विरेचन जो बताया गया है उससे हम लोगों को ये भी ध्यान में आता है कि ये अगर आमाशय से रिलेटेड संप्राप्ति है फिर भी इसमें विरेचन उतना ही इम्पोर्टेंट है। संप्राप्ति में वात दोष जब हम लेते हैं तो सिर्फ एक ही वात दोष जो है सिर्फ उतना ही विचार नहीं करना चाहिए। जब आमाशय में अन्न जाने के बाद में अन्न का पचन होता है, सारपित्त विभाजन होता है, तभी वहां पे वात की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये तो सभी लोगों को पता है। तो जब ये वात होता है यही जो वात की पांचों प्रकार है उन्हें भी बल देता है। जब हम लोग श्वास कास की संप्राप्ति देखते हैं तो हमें विशेष करके प्राण उदन और अपान इन तीनों की बातों का ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सी बार ऐसे भी देखा गया है कि जैसे उदान का जो स्थान है उरे स्थानम उदानस्य, तो हम लोग जब विद्या करते हैं इसके पॉइंट श्वास कास के फिर भी पेशेंट को उतना सा रिलीफ नहीं मिलता। तो उतना रिलीफ जब मतलब कोई भी पेशेंट जब आता है तो आने के बाद में हम लोग पूरी संप्राप्ति लेने के बाद में पूरी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद में हम लोग तय करते हैं कि चलो इतने दिनों की संप्राप्ति है, इतने लक्षण दिख रहे हैं, इसमें उपद्रव है या नहीं है, तो उस उपद्रव के और उस संप्राप्ति के हिसाब से हम लोग एक अंदाज लगा लेते हैं कि इस रुग्ण को कितने दिनों के लिए हम लोगों को विद्या करना है या अग्निकर्म करना है। सपोज मैंने ऐसे सोचा है कि 3 दिन में इस रुग्ण को ऑलमोस्ट 30-50% रिलीफ मिल जाना चाहिए, तो अगर मुझे उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग पूरा का जो पॉइंट है वो ऐसे रुग्ण पे एक्स्ट्रा करते हैं। इसके लिए आपके इसमें आपको ये ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है कि कौन से वात के प्रकार जो है इसमें दुष्ट होते हैं, ठीक है। षटक्रिया काल पे हम लोग हमेशा ही जोर देना इसलिए चाहिए क्योंकि संप्राप्ति जो है वो एक सिंगल ड्रग एक सिंगल घटक की वजह से नहीं होती, ठीक है। संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय व्यक्ति और भेद ये सारी ही अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। संचय प्रकोप प्रसर होने तक के रुग्ण को किसी भी चीज के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। स्थान संचय जब होता है तब रुग्ण को वो लक्षण दिखाई देते। व्यक्ति अवस्था में रुग्ण जो है वो ज्यादातर अपने पास आते हैं, आने के बाद में भी जब रुग्ण आते हैं 1 या 2 दिन या 3 दिन तक के आते हैं, उनको लगता है कि हमारे जो लक्षण थे वो सारे कम हो गए। जैसे ही लक्षण कम हो जाते हैं रुग्ण को लगता है अब मुझे पेन भी नहीं है और बस हम लोग इतने में ही ठीक हो गए, तो रुग्ण क्या करते हैं वहीं से चले जाते हैं। बहुत कम रुग्ण हमारे पास ऐसे आते हैं कि मतलब हम जो संप्राप्ति सोचते हैं कि जो दोष है वो स्वस्थान में जाने चाहिए, जो दोष है उनका एक तो पाचन होना चाहिए एक तो निरहरण होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम लोगों को रुग्ण को पहले समझा के बोलना पड़ता है कि हम लोगों को एटलीस्ट एक जो कालावधि है वो कितना टाइम पीरियड हम लोगों को लगने वाला है, वरना रुग्ण क्या करेगा कि थोड़े दिन आएंगे और छोड़ देंगे। बहुत से वैसे ऐसे करते हैं कि आज एक बार बुलाएंगे 8 दिन के बाद में बुलाएंगे। हम लोगों ने ऐसे देखा है कि आज अगर बुलाते हैं वापिस 8 दिन के बाद में बुलाते हैं तो रुग्ण वापिस से आते ही नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे राबा गोप्टे सर थे तब भी हम लोगों ने ये बहुत लास्ट में सीखा कि सर कहते थे ठीक है चलो हम लोग इस पेशेंट को 5 दिन रोज बुलाते, तब तक के तो हम लोग पेशेंट को सिर्फ 10 दिन के बाद में ही बुलाते थे और तभी हम लोग विद्या और अग्निकर्म करते। लेकिन जब सर को ये ध्यान में आया कि ये पेशेंट बाद में आते नहीं है या फिर इस रुग्ण को बहुत जल्दी से ठीक करने की जरूरत है, तो ऐसे रुग्ण में सर फिर कंटिन्यूस 5 दिन के लिए बुला देते। वही पैटर्न हम लोग आज भी रखते हैं कि पेशेंट को 3-5 दिन जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, कभी कभी 8 दिन भी हम लोग पेशेंट को रोज सवेरे शाम या फिर दिन में से एक बार जैसे पेशेंट को पॉसिबल हो वैसे हम लोग विद्या कर्म के लिए बुला दें। उपद्रव का ऐसे होता है कि अगर आपको दिख रहे हैं कि श्वास का व्याधि में उपद्रव बहुत ज्यादा होने के बाद ही रुग्ण अपने पास आते, अगर उपद्रव बहुत ज्यादा है तो पहले उपद्रव की भी चिकित्सा कीजिए, नहीं तो आप जब श्वास कास की चिकित्सा करेंगे तभी इसके उपद्रवों की भी चिकित्सा हो जाती। अभी विद्या कर्म का जो एक ही रेफरेंस आया है, ठीक है, जो सूक्ष्म शरीर स्थान 8 में आया है, अभी इसके आपको टुकड़े टुकड़े करके बताऊं। वाम बाहु गुरुपर तो ठीक है, तो वाम बाहु मतलब लेफ्ट हैंड के कुरुपर संधि के अभ्यंतर तक बाहुपति, तो जब हम लोग संधि कहते हैं तो संधि के विद्या कर्म के लिए निषिद्ध माने गए, ठीक है।
इसके लिए हम यहाँ पे कुरुपर संधि के अभ्यंतरता, लेकिन अभ्यंतरता बोले तो हम लोग ना तो यहाँ पे कुरुपर संधि के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसके लिए आगे जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो कहते हैं कि कुरुपर संधि के ऊर्ध्व चार अंगुली और नीचे चार अंगुली ऐसे क्यों कहते हैं, कुरुपर संधि के अभ्यंतरता और मध्यता ऐसे ही सिर्फ इतना रेफरेंस आया। जब हम लोग कंप्लीट श्लोक पढ़ेंगे तभी हम लोगों को ध्यान में आएगा कि इन्होंने एक्चुअल में कुरुपर संधि के ऊपर और नीचे अभ्यंतरता चार अंगुली क्यों कहा। वैसे ही दूसरा एक पॉइंट है, वो है कनिष्ठिका अंगुली और अनामिका अंगुली के बीच, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं। ये जो वेब होती है ये वेब के ऊपर हम लोग करते हैं और सिर्फ 1/8 ब्रीही इतना ही हम लोग वित्त करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मतलब इतनी ही डेप्थ क्यों, तो सिर्फ 1/8 ब्रीही डेप्थ ही सफिशियंट होती है, वहां की जो सिराए होती है वो ऊपर ही होती है। इसके लिए आप जब सिर्फ 1/8 ब्रीही वित्त करते हैं, जब दोष बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वहां से तुरंत ब्लड लीडिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे की सेटिंग्स करेंगे वैसे वैसे वहां के दोष जो है वो कम हो जाते हैं, तो बाद में वहां से रक्तस्राव होता भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है कि दक्षिण बाहु यकृत दाल्योदरे, अब यहाँ पे कफोदर भी आया है यकृत दाल्योदर भी आया, ठीक है, ऐसा ही एक रेफरेंस जो है वो यकृत वृद्धि में आया है। तो यकृत वृद्धि यहाँ होती है या क्रिया वृद्धि यहाँ होती है, तो अंगुष्ठ मूल के जगह पे हरिद्रा से करते हैं वो, और ये रेफरेंस ये थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यकृत ताल्योदर और कफोदर का उन्होंने कहा है कि राइट साइड में जब रहता है यकृत ताल्योदर और कफोदर जो है उसमें हम लोग राइट साइड का जो कुरुपर संधि है वहां पे विद्ध करना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि संधि तो निषिद्ध है, फिर हमने क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताती हूँ जो टीका में आया हुआ है कि कुरुपर संधि मतलब कुरुपर संधि के ऊपर नहीं करना है, समीप करना है, ठीक है। अब कुरुपर संधि के समीप मतलब कितना समीप, दो अंगुली भी ले सकते हैं, एक अंगुली भी ले सकते हैं, चार अंगुली भी ले सकते हैं, फिर हमने चार ही अंगुली क्यों लिया। तो इसी से कनेक्टेड जो रुद्रसी और विश्वाची का रेफरेंस आया है उसमें उन्होंने कहा है कि कुरुपर संधि के ऊर्ध्व और अध्व चार अंगुली, तो ये दोनों ही जो रेफरेंस है ये कलेक्ट करके हम लोग ये कहते हैं कि कुरुपर संधि के ऊपर चार अंगुली और नीचे चार अंगुली, ऐसे दोनों भी हम लोग वित्त कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग करते हैं, तो अगर आज पेशेंट आता है तो आज करने के बाद में पहली बार दोनों भी एक साथ नहीं भी किया ना तो भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर आप रुग्ण बहुत लंबा रहता है या फिर 8 दिन में 15 दिन में एक ही बार आ सकता है, तो ऐसे रुग्ण में आप कुरुपर संधि के ऊर्ध्व और अधो दोनों एक साथ कर सकते हैं, वरना सिर्फ एक ही पॉइंट भी करते हैं तो भी चलता है। मतलब श्वास कास के आए हुए ये दो ही पॉइंट है, जो है एक जो है वो कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली के बीच में 1/8 ब्रीही आया है, दूसरा जो है वो कुरुपर संधि के ऊर्ध्व और अधो चार अंगुली आया है, ठीक है। अभी मेरे पास जो रुग्ण आते हैं उनके ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि जहां पर दोनों साइड से क्रेप्स हम लोगों को क्रेप्स और बीज, क्रेप्स तो बहुत कम होती है लेकिन बीजिंग बहुत जल्दी कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे राइट साइड में हम लोगों को अगर क्रेप्स लग रहे हैं, सॉरी बीज अगर लग रही है, लेफ्ट में नहीं लग रही है, तो हम लोग जब लेफ्ट में विद्या करते हैं तो राइट साइड की जो बीज है वो कम नहीं हो पाती, उससे कम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और वही अगर राइट में बीज है, हम लोग राइट में विद्या कर रहे हैं, तो वो जो बीज है अगर वो बहुत दिनों की नहीं होती है, कम दिनों की होती है, तो वो तुरंत कम हो जाती है। वही अगर कुछ रुग्ण है जो 15-15, 20-20 दिन वो बीज वैसे ही लेके हमारे पास आते हैं, तो उन्हें वो बीज कम होने के लिए कभी कभी आधा से एक घंटा भी लग जाता है, ठीक है। तो एक ही ध्यान में रखना है कि अगर आपको बीज दोनों साइड से लग रही है तो आप दोनों साइड से बीज विद्ध कीजिए, अगर आपको सिर्फ एक ही साइड से बीज लग रही है तो आप एक ही साइड से विद्ध कीजिए। जब आप पेशेंट को जो तमक श्वास के रुग्ण होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रुग्ण होते हैं, ऐसे रुग्णों में आपको अगर करना है तो एक जो है ये जो पॉइंट है कनिष्ठिका और अनामिका संधि के बीच का, वो आप रोज कर सकते हैं। कुरुपर संधि के ऊर्ध्व अधो में से कोई भी एक भी करते हैं तो हमें जो इच्छित फल मिलता रहता है वो मिल ही जाता है। वित्त कर्म के लिए बहुत से लोगों को लगता है वित्त कर्म मतलब एक सिंगल निडल लेना और प्रिक करना। जैसे मैंने आपको अभी तक के जैसे बताया है कि हेतु से लेके संप्राप्ति तक के हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे आने वाले फोन में से बहुत से फोन सिर्फ मतलब ठीक है बीएमएस हुए है, तो आपको एटलीस्ट हेतु क्या है, पूर्व रूप क्या है, इन सब चीजों का ज्ञान होता है।
लेकिन कुछ अदर पैथिस के लोग भी हमें कहते हैं कि हाँ ये सत्य शुक्र चिकित्सा है तो आप हमें ये पढ़ाइए। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा कि मतलब मैं आपको सिर्फ बोलूँ कि हाँ ये पॉइंट कर दीजिए और ये पॉइंट करने के बाद में आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको जब तक कि पूरी हिस्ट्री पेशेंट की लेना, कैसे लेना है, पेशेंट के हेतु कैसे निकालना है, निदान परिभाजन कैसे करना है, संप्राप्ति भंग के लिए हम लोगों को जो इंटरनल बेलिसेंस देने हैं वो कैसे देना है, ये सब चीजें जब तक कि हम नहीं ध्यान दे पाएंगे तब तक कि सिर्फ विद्ध से पेशेंट नहीं ठीक हो पाए। बहुत सी वैद्यों का ऐसे भी सवाल आता है कि मैडम आप तो कहते हैं कि सिर्फ विद्ध से ही पेशेंट ठीक होने वाला है, विद्ध से हम लोग स्थानिक जो सिराए है वहां पे जो दोषों की दृष्टि हुई है वो कम करते हैं, ना कि जो संप्राप्ति है वो भंग हुई है। बहुत ही कम, मतलब अगर लोकल कोई रीजन है, जैसे अगर बाहर से कोई आघात हुआ है और उस आघात की वजह से सिर्फ स्थानिक दृष्टि जब होती है और उससे वहां पे हम अगर तुरंत कितने अग्निकर्म करते हैं तो वहां पे हम लोगों को इंटरनल मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो संप्राप्ति आमाशय से या पित्ताशय से, आमाशय से या पक्वाशय से शुरू हुई है, वो संप्राप्ति भंग करने के लिए आपको जो इंटरनल मेडिसिन देने उसके लिए आपको सही दोषों का ज्ञान होना चाहिए, दोषों के कौन से प्रकार उसमें दुष्ट हुए हैं, कौन से दोषों के प्रकार के लिए हम लोगों को क्या देना जरूरी है। जैसे वात अगर सिर्फ वृक्ष गुण से ही बड़ा हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे स्नेह की ज्यादा अपेक्षा हो, ठीक है। वात के जो सब गुण बताए गए तत्र रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्मश्च लो अनिला, तो इसमें से कौन सा गुण बड़ा है उसके हिसाब से जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तब वो सही मायने में चिकित्सा कहलाती है। मेरे पास एक रुग्ण आए थे, वो भी डॉक्टर थे, शायद से उनको एक 4-5 साल पहले स्मोकिंग की हिस्ट्री, तो उन्होंने कहा कि अभी जब हम लोग सांस लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार लेट जाइए मैं आपको विद्ध कर देती हूँ, फिर आप मुझे कहना कि आपको क्या रिलीफ मिला। जब मैंने सेतो रखा ऑस्कल्टेशन के लिए तो हम जो रुक्ष स्वर कहते हैं, जब मैंने ऑस्कल्टेशन किया तो वो जो आवाज जो ध्वनि थी वो बहुत ही लाउड थी। उसके बाद में मैंने विद्ध किया सर को, जो श्वास व्याधि में आया है यही कनिष्ठिका अंगुली और अनामिका अंगुली के बीच में और कुरपर संधि के ऊपर चार अंगुली एक ही साइड से किया, और मैंने देखा कि राइट साइड को करने के बाद राइट साइड हार्श वॉइस जो था, जो आवाज थी वो कम हो गई है, लेकिन लेफ्ट की नहीं है। वो हेतु की वृक्ष वहां पे बड़ा हुआ है बात का, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जैसे हम लोग विद्ध करते हैं तो हम लोगों को इसका रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी जब तक कि हम लोग ऐसे रुग्ण में लोकल स्नेहन नहीं देते, इंटरनल स्नेहन नहीं देते, लोकल स्नेहन कैसे देना चाहिए, तो नारायण तेल का वर्णन आया है। नारायण तेल और लवण जब हम लोग रुग्ण को पूरा प्रदेश में लगाने के लिए कहते हैं तो ये रेफरेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसे ही इंटरनल भी नारायण तेल का यूज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में ऐसे रुग्णों में बहुत ही जल्द आराम मिलता है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको दोषों का ज्ञान भी उतना ही होना चाहिए, दोषों के कौन से प्रकार है, वो प्रकार इसमें से कौन से दुष्ट हुए हैं, उसके हिसाब से जब आप चिकित्सा करोगे ना तब आपको विद्ध और अग्निकर्म अगर आप ब्लाइंडली जाते हैं तो भी आपको जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना आपको 5 या 6 दिन में ही प्रॉपर नॉलेज की वजह से जल्दी से पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। इसके लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विद्ध कर्म सीखना बोले तो एक पिडल लेना और प्रिक करना, ऐसा गलती से भी कोई वैद्य ना सोचे। बहुत से बार लोग कहते हैं कि मैडम आप तो कह रहे थे कि आप एक कोर्स लाने वाले हैं कि जो विद्ध और अग्निकर्म पे होगा, तो आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है। किसी ने तो भी बीच में विद्ध और अग्निकर्म का शायद से क्रैश कोर्स के लिए ट्राई किया था, तो सर का मुझे पद्मनाभ सर का फोन आया कि मैडम ये और कोई कह रहे इससे अच्छा है कि आप या चंद्र कुमार देशमुख सर अगर ये करते हैं तो हम लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर के ही विद्यार्थी जो है वो ये विद्ध अग्निकर्म, जैसे सर को चाहिए। सर हमेशा सोचते थे कि सिर्फ विद्ध और अग्निकर्म मतलब निडल लेना, प्रिक करना, सिर्फ चला कर लेना और अग्निकर्म करना, यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम लोग विद्ध करते हैं तो वहाँ के एनाटॉमी, वहाँ की फिजियोलॉजी, जो व्याधि जो संप्राप्ति हुई है वो संप्राप्ति का नॉलेज हम जब हमें होगा तभी हम प्रॉपर विद्ध और अग्निकर्म कर पाएंगे। सर का कहना ये भी हमेशा रहता था कि शायद से मेरे इतने डेप्थ आप लोगों को नहीं आएंगे, क्योंकि मैं शल्य चिकित्सक होने की वजह से मुझे जितना एनाटॉमी का ज्ञान है, मैंने जितनी सर्जरी मैंने की है शायद से आप लोगों को उतनी कभी देखने को भी न मिले, और मैंने जितना किया है शायद से तुम लोगों को ना भी मिले, लेकिन फिर भी आपको जितना पॉसिबल है जैसे ग्रंथों में से नॉलेज लेना,
कहीं से और जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो कलेक्ट करना, सिर्फ अपने ही शास्त्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अदर जो शास्त्र है उनका भी विचार करना चाहिए। इसीलिए सर ने चाइनीज एक्यूपंचर से विद्धर अग्निकर्म का कोरिलेशन करके जो पॉइंट्स है, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि सर और एक पॉइंट करते थे कि क्लेविकल का मीडियल टू थर्ड और लैटरल वर्ल्ड इसके नीचे सर विद्या करते, ये जो पॉइंट है ये हमारे आयुर्वेद में नहीं आया, ये चाइनीज एक्यूपंचर में आया। और मैं जब सर के पास थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि सर ने ये पॉइंट करने के बाद में जो पीस थी वो काफी हद तक कम हो गई, मतलब पहले भी तो। और ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये करने के बाद भी पेशेंट को और ज्यादा रिलीफ मिला। तो ऐसे ही हम लोगों को सिर्फ विद्ध सिर्फ पॉइंट के लिए हम लोग अदर पैथीज का यूज कर रहे हैं, ये भी मैं बता देना चाहती हूँ। नहीं तो कुछ वैद्य कहेंगे कि हम लोग फिर जो चाइनीज एक्यूपंचर की नीडल है वही यूज करेंगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक यही देखा है कि ये जो बोर रहता है बीच में जो स्पेस रहती है, तो स्पेस की वजह से वहां पे जो दुष्ट वायु अवरुद्ध वायु जो वो निकलने में मदद होती है। इसीलिए मैंने मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था उसने भी कहा था कि जब हम लोग निडल प्रिक करते तो प्रिक करने के टाइम पे अगर वहां से उसमें अगर रक्त आ जाता है तो वो निडल हमें वापिस से यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करनी चाहिए? क्योंकि वो जो बोर है वो जो है वो ऑक्यूपाई हो गया है वहां की ब्लड से। तो हम लोगों को जो कोरस निडल चाहिए, जो बोर वाली निडल चाहिए, वो तो अभी रही नहीं। इसीलिए किसी भी निडल में अगर ब्लड आ जाता है तो वो निडल हम तुरंत रख देते हैं और दूसरी निडल यूज करते हैं। अब सिरावेद और विद्धगर्भ, अगर दुष्ट विद्या सिरा का आप विचार करते हैं तो मैडम फिर वो तो सिरावेद भी ही आया है, फिर हम लोग विद्धगर्भ कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? तो जो लोग अभी तक के विद्धगर्भ कर रहे हैं उनको इस बात का ज्यादा ज्ञान होगा, या फिर मैं जो अभी बताने जा रही हूँ वो उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दुर्विद्या सिरा कहा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग दुर्विद्या सिरा कैसे होती है कि जहाँ से जहाँ सूक्ष्म शस्त्र हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी 26 नंबर की जो निडल है वो सही में सूक्ष्म शस्त्र है, ठीक है। जब हम विद्ध करते हैं और वहां पे दोष जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो जैसे ही हम लोग निडल निकालते हैं तो वहां पे ग्रीनिश डिस्कलरेशन आ जाता है, वहां पे शोथ आ जाता है, वो जो सिरा होती है वहां पे वो सिरा फूक जाती है। बहुत से रुकना फिर दूसरे दिन आते हैं कहते हैं मैडम हम लोग कल तो आए थे तो ये जो आपने प्रिक किया था वहां पे तो ये हरा हो गया है, वहां पे हमें दर्द हो रहा है। बहुत से रुग्ण ऐसे शोध और पूजा की वजह से वापस आते नहीं, जो हमेशा के रुग्ण होते हैं वो आके कहते हैं मैडम यहाँ पे शोध है रुजा है, वो दो या तीन दिन में रुजा तो चली जाएगी शोध भी चला जाएगा, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान इस पर से होता है ये जो हुआ है ये दुर्विद्ध है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग प्रिक करेंगे तो यहाँ पे दोष ज्यादा है ये तो हमें समझ गया है, तो सूक्ष्म विद्ध करने की बजाय हम लोग यहाँ से अगर ब्लड लेटिंग करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि क्षिप्रवर्म के ऊपर दो अंगुली ही आप करो जैसे ग्रंथ में आया, ठीक है, क्षिप्रवर्म के ऊपर भी अगर नहीं आपको दो अंगुली मिलता है, जो कुछ नियरेस्ट पे आपको मिलती है वो वेन भी अगर आप प्रिक करते हैं तो पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन आपको पेशेंट कहेगा कि हाँ मेरी रुझाए कल से आज ज्यादा कम हुए, कल से मैं आज ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए ये दुर्विद्या जो है ये हमें पता होना चाहिए। वैसा ही रेफरेंस अतिविद्ध का आया है, जब जहाँ पे हम लोग विद्ध करते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि अर्धग्रीय करो, एक प्रिय करो, 1/8 करो या 1/4 करो, तो उस डेप्थ के नीचे अगर गलती से कोई चला जाता है ये वेन है, आप ऊपर से डायरेक्टली वो वेन प्रिक कर रहे हो, वो वेन नीचे भी प्रिक हो जाती है तो वहां पे इंटरनल हिमोरेज होते हैं, तो ये जो इंटरनल हिमोरेज होते हैं उसकी वजह से भी आपको वेदना होने लगती है। तो इसके लिए आपको जितना ग्रंथ में बताया गया है अर्धविहिक रहा है तो अर्धविहिक कीजिए, एक विहिक कहा है तो एक विहिक कीजिए, अगर 1/8 करना है और आपने अगर 1/4 कर दिया तो उसमें रुग्णों को वेदना इंटरनल हिमोरेज की वजह से होती कि जो नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद में हमेशा ही कहा गया है कि निरुपद्रवी चिकित्सा करनी चाहिए, अगर हम रुग्ण का जो रुग्ण की जो वेदनाएं है रुग्ण का जो डिसीज है वो करने के लिए अगर हम लोग ये वित्त और अग्निकर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को इस बात पर ज्यादा गौर देना चाहिए कि हम जो चिकित्सा दे रहे हैं वो निरुपद्रवी चिकित्सा होनी चाहिए। पुरुषम पुरुषम विक्षम न्याय से हर बार हमें ये देखने को मिलता है कि हर पेशेंट में जो है वित्त करने को या अग्निकर्म करने को टाइम ये कम ज्यादा लगता है।
अगर आपके पास दो रुग्ण आते हैं, एक जो है उसका एज है 20 ईयर, दूसरा जो पेशेंट है उसका एज है 50 ईयर, ठीक है, दोनों की संप्राप्ति, दोनों एक साथ गाड़ी पर गिरे थे, लेकिन जो 20 ईयर्स का जो रुग्ण है उसके हेतु उसकी संप्राप्ति ये जो है उसका एज, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो ऐसे टाइम पे ये जो 50 ईयर्स का जो मेल है, 50 ईयर्स का जो पेशेंट है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेशेंट का रुग्ण मतलब जो रुग्ण आते हैं उनका वय, उनका बल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अग्नि का बल। आप आ रहे हैं रुग्ण और उन्हें बहुत सारे मेडिसिन दे रहे हैं, सर को ये कभी पसंद नहीं था, सर हार्डली हार्ड 2 या 3 या 4 ड्रग्स बहुत हो गए, मतलब सर एलोपैथी का भी उतना ही यूज करते थे। कब यूज करते थे? कि स्टार्टिंग के पीरियड में, कि पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए सर 5 दिन या 10 दिन सर एलोपैथी के मेडिसिन दे देते थे, उसके बाद में सर आयुर्वेदिक देते थे। अगर कोई रुग्ण ऐसे है कि जिनको पेन बिल्कुल भी बेयर होता नहीं है, फिर ऐसे रुग्णों में भी सर एलोपैथी के मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन आयुर्वेद के बारे में सर का ऐसा ही रहता था कि सर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, इसके ऊपर सर ने कभी आयुर्वेद की इसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा कि इससे ऊपर हम लोगों ने जाना ही नहीं चाहिए। आप जितना प्रिसाइज लिखते हैं, जितना आप टू द पॉइंट जाते हैं, उतना रुग्णों का भी जो खर्चा है दवाइयों का वो कम होता है। रुग्णों को जो दवाइयाँ लेनी है उसकी वजह से, अगर मैं सपोज एक रुग्ण है उसको ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको पहले से ही 10 गोलियां शुरू है, वो मेरे पास आता है बैकएक के लिए, और मैं उसको कहती हूँ कि हाँ आपको महावत विद्वंस लेना है, सिंहनाथ गुरु लेना है, आपको प्रवाल पंचामृत लेना है, इसकी 2 गोलियां लो, उसकी 2 गोलियां लो। अगर मैं पेशेंट को एक साथ 6 गोलियां दे दूँ, पहले की 10 गोलियां है, तो रुग्णों को तो मेरी 6 गोलियां ज्यादा ही लगेगी, बराबर। इसके लिए पेशेंट की एग्जैक्ट संप्राप्ति देख के किस वजह से ये सब हो रहा है वो देख के उस दोष के ऊपर अगर आप चिकित्सा करते हैं, तो आप हार्डली सिंगल ड्रग एक ही गोली में, जिसका डोज में भी पेशेंट की अग्नि के हिसाब से आपको 1 गोली 2 बार देनी पड़े, या 2 गोली 2 बार, 1 गोली 3 बार, ऐसे करके आप रुग्णों को कम से कम दवाई को में ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। किसी को अगर कोई सवाल होगे तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका मार्गदर्शन हमें और साथ ही पूरे भारत से देख रहे हमें सभी दर्शकों को लाभदायक है। आपने बहुत डिटेल्स में हमें अग्निविद्या के पॉइंट समझाए हैं और बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए हैं। खास करके जो गर्ल्स कॉलेज के बारे में प्रैक्टिस की दुविधा में होते हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए, उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 4 फरवरी आदरणीय गुरु, आदरणीय वैद्य गुरु आरबी गोप्ते सर का जन्मदिन। सर के बारे में मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर होगा कि सर के प्रिय शिष्य तथा हमारे गुरु वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर ही उनका परिचय दे। उससे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर का। अपने गुरुवर्य का परिचय देना एक शिष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। सर के बारे में बताता हूँ, सर ने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ से आयुर्वेदाचार्य की पदवी प्राप्त की है, उसके साथ ही रामटेक यूनिवर्सिटी से योग चिकित्सक की पदवी प्राप्त की है। दोनों ही पदवी के दौरान सर ने कॉलेज में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सर को हिमालय फार्मेसी की ओर से जीवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही पुणे ताराचंद हॉस्पिटल की ओर से नानन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अग्निकर्म और विद्युत कर्म का ज्ञान गोप्ते सर से प्राप्त करने के बाद में यह आयुर्वेद का बहुमूल्य उपहार सभी वैद्यों तक पहुंचे, इसके लिए सर ने अनेक कार्यशाला किए हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर और भी अनेक शहरों में अनेक शहरों के आयुर्वेद विद्यालयों में कार्यशाला किए हैं। भारत के विविध राज्यों से और अनेक शहरों से सर को विविध संस्थाएं और कॉलेजेस आमंत्रित करते हैं। सर ने हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा जैसे अनेक जगहों पर अग्निकर्म और विद्या कर्म पर व्याख्यान दिया है। श्री विश्वमूर्ति आयुर्वेद चिकित्सालय चापेकर चौक चिंचवड़ यहाँ पिछले 7 साल से अविरत सेवा दी है। डॉक्टर आरबी गोप्ते मेमोरियल हॉस्पिटल नानापेट पुणे यहाँ पर डॉक्टर गोप्ते सर की सेवा आगे बढ़ाई है। हर बुधवार को श्री संत तुकाराम महाराज तीर्थ क्षेत्र देहू में 200 से भी अधिक रुग्णों को बिना शुल्क सेवा दी जाती है।
कोविड के समय जब सब कुछ बंद था तब सर ने बिना रुके अपनी रुग्ण सेवा जारी रखी। कोविड के रुग्ण के लिए अल्प शुल्क में मेडिसिन दी। अर्थराइटिस, जॉइंट डिसऑर्डर्स, पेन मैनेजमेंट जैसे व्याधियों में अग्निकर्म और वृद्ध कर्म से शुल्क उपशय करने में सर ने महारत हासिल की है। आज तक 10,000 से भी ज्यादा जॉइंट प्रॉब्लम्स वाले रुग्णों को ठीक किया है। 200 से भी ज्यादा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसे रुग्णों को पूर्णतः ठीक किया है। कैंसर के पेशेंट्स को फ्री औषधोपचार और साथ ही हेपेटाइटिस बी पर सबसे रिसर्च सर कर रहे हैं। पूरे भारत में 100 से भी ज्यादा व्याख्यान अग्निकर्म और वृद्ध कर्म पर दिए हैं। आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए अग्निकर्म और वृद्ध कर्म के बारे में बताने के लिए सर सदैव तत्पर रहते हैं। श्री वारकरी आयुर्वेद चिकित्सालय की प्रेरणा डॉक्टर चंद्रकुमार देशमुख सर है। जैसे एक बालक के लिए माँ और पिता दोनों का सहारा जरूरी है, उसी तरह सर ने इस संस्था को माँ की ममता और पिता का आदर दोनों दिया है। इनकी ही बदौलत हम आज डॉक्टर देशमुख सर की प्रेरणा लेके आगे कार्य कर रहे हैं। आज का ये इसी का ही नतीजा है कि हम आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर चंद्रकुमार देशमुख सर से विनती करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। थैंक यू वैद्य क्षितिज सर। सबसे पहले हमारे जो आज के वैद्य सर रामदास सावर सर ने हमें मार्गदर्शन किया, तो हम सर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। न एतत् ममम, ये मेरा कुछ नहीं, हमारे जो वैद्य राघव गोप्टे सर ने हमें सिखाया है अभी तक वो वैसे की वैसे हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जो वैद्य आरबी सर थे तो मेरे आद्य गुरु थे ही वो, लेकिन वहाँ पे मुझे सर के यहाँ सीखने को चांस मिला वो सिर्फ नीतू मैडम की वजह से, क्योंकि बहुत सारी लाइन लगती थी सर के यहाँ पे। सर के यहाँ पे एक रजिस्टर रहता था, वहाँ पे नंबर लिखते थे किसी को सीखने को आना है। तो वैसे ही मैं पुणे में सीखने को गया था, तो काफी जगह पे घूम चुका था कि आयुर्वेद सीख पाऊ, लेकिन विद्ध कर्म और अग्निकर्म सीखने के लिए मैं सर के पास गया था, लेकिन मेरा वहां पे नंबर नहीं लगा और बहुत निराश हो गया था। निराश होने के बाद सोचा कि अभी क्या करे, सर ने बोला था कि अभी सीधा प्रैक्टिस शुरू करो, लेकिन वो मन में बात बैठी थी कि अरे मेरे को ये सीखना है। जब सर के पास गया था तो पहली बार जब जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत ऊपर जा रही थी, जो उसको दो सीढ़ियां भी चलने के लिए ताकत नहीं थी और उसको बहुत पेन हो रहा था। और अंदर जाके सर ने कुछ तो भी मैजिक किया और वो सीधा ऊपर नीचे करती रही। तो ये सीखना था मुझे, और ये मेरा तो नंबर सर के पास नहीं लग रहा था। तो मैं वापिस नांदेड़ में जाने की सोच रहा था कि हम अभी गांव को जाएंगे और जितना आयुर्वेद सीखा है उतनी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 8:30 बजे उस दिन मुझे फोन आया। मैं IPL की मैच देख के वापस जा रहा था तो नीतू मैडम का फोन आया। तो वो क्षण से अभी तक मेरा पूरा करियर जो है सर के लिए अर्पित है, और पूरा करियर जो बदल गया है वो मेरे आद्य गुरु गोप्टे सर है, उसके बाद में नीतू मैडम जो है विद्ध कर्म अग्निकर्म के लिए पहली बार मैडम ने निडल हाथ पे दी सर के यहाँ पे। सर के यहाँ पे 3 दिन रहते थे हम, और सर से बातें होती थी, लेकिन उसके बाद में पूरा हफ्ता रुकने लगे और सर से विद्या ग्रहण की। अभी हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं न एतत् ममम, हमारा कुछ नहीं है जो हमने सीखा है, और हम जब जो पेशेंट में काम कर रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मेरा एक सौभाग्य है कि सर के जन्मदिन पे मुझे अवसर मिला सर का जो कर्म है वो आगे बढ़ाने के लिए। तो सर सर्जन थे, प्रत्यक्ष थे, जो है वही बताना है, घुमा फिरा के बताना नहीं है, वो सर का आज तक का काम रहा है। तो पिन पॉइंट स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट सर की थी, जो आयुर्वेद में बताया है। जैसे कि हम हमेशा बताते कि सर का एक एक्सपीरियंस बहुत फेमस है कि सर ने पढ़ा था कि सीवन कर्म सुचरिंग के लिए आयुर्वेद ने बताया है कि हमारे जो बड़े बड़े एंट्स है उसका यूज करेंगे। तो सर ने भी, सर जब थर्ड ईयर में थे तो सर ने बड़े बड़े मेंढक पकड़े
फ्रॉग पकड़े और उनको इंटेस्टाइन को कट किया। कट करने के बाद उनके जो इंटेस्टाइन है नजदीक ला लिए और उसको जो बड़े एंड से उसको बाइट करने को लगाया और उनको ऊपर से सुचरिंग करके तालाब में छोड़ दिया और फिर से उनको निकाल के 10 दिन बाद देख लिया कि अंदर जो जो बाइट किया था बड़े बड़े एंड्स जो ब्लैक एंड्स रहते उसको कोकन में डोंगड़े बोलते हैं मराठी में डोंगड़े, तो वो बाइट करने के बाद वहां पे पूरा इंटेस्टाइन का लेयर आ चुका था। तो जो आयुर्वेद में बताया था कि सुचरिंग करने के लिए सीवन कर्म करने के लिए ये जो एंड से उसका यूज करना है, तो वो थर्ड ईयर में ही सर ने किया था वो। और वो करने के बाद सर के जो गुरु है मामा गोखले उनको उन्होंने बताया था और तब से सर सर्जरी की तरफ आ गए। तो ये सर के जो आयुर्वेद के लिए श्रद्धा थी वो सिंपल टेक्निक थी और सिंपल तरीके से यथा सौख्यम यथा लाभम सर आप हम सबको या विद्यार्थियों को सिखाते थे। अब ये जो टेक्निक है वही हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, सर का ही है, तो सर ने हमें जैसे बढ़ाया सिंपल टेक्निक से हम सर का काम आगे लेके जाएंगे और हम विद्ध कर्म और अग्नि कर्म अनेक व्याधियों में कैसे काम करेगा ये सीधा देखेंगे। तो एक प्ले होते तो मैं गुरु का श्रेष्ठत्व आज बताना चाहूंगा कि वैद्य राघव गोपते सर जब सर को कार्डियक का प्रॉब्लम हो चुका था, हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका था, तब सर का दूसरे दिन सेमिनार था यहाँ पिंपरी में, तो सर को जीवन गौरव पुरस्कार मिलने वाला था। तो सर ने मुझे घर पे बुलाया कि तुझे कल जाके सेमिनार देना है। मैंने बोला ठीक है हाँ देंगे सर। तो सर को यमाय था, हार्ट में प्रॉब्लम था और उसी सर ने मुझे विद्ध कर्म और अग्नि का कर्म का पहला जो लेक्चर सर के अभाव में लेने को कहा था, तो वो बेड पे लेटे हुए होते हुए सर ने सिखाया है। तो आयुर्वेद और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी, तो वो जो सर ने मुझे लास्ट सिखाया था तो वो सबका कलेक्शन करके हमने पेशेंट पे काम किया है और वो जो जो काम है आगे बता। ये जो आयुर्वेद और मिसअंडरस्टैंडिंग है, आयुर्वेद में ऐसी जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबी लेनी पड़ेगी, ऐसा विद्ध कर्म और अग्नि कर्म से के बारे में नहीं है। विद्ध कर्म जल्दी रिजल्ट देते हैं, पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो बोलते हैं कि अरे सर हम लेंगे आपकी ट्रीटमेंट, 4-4 महीने लेंगे लेकिन हमें आज का पेन कम करना चाहिए। तो वो आयुर्वेद में पहले हम देखते नहीं थे, तो ये विद्ध कर्म और अग्नि कर्म हमारा जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट है वो पूरा करेगा। ऐसा समझते कि लोग कि आयुर्वेद जो है पुराने डिसीज में ही काम करेगा, क्रोनिक डिसीज में ही काम करेगा, ऐसा लोग समझते थे, लेकिन नहीं, आयुर्वेद सारे हजार डिसीजेस पे काम करता है, वो आगे हम देखेंगे। इमरजेंसी में आयुर्वेद नहीं है ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इमरजेंसी में भी आयुर्वेद हम यूज करते हैं और सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 2-3 साल किसी वैद्य के पास रुक के आयुर्वेद सीखेंगे ऐसा लगता है, लेकिन ये विद्ध कर्म अग्नि कर्म आज देख के ही आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो अग्नि कर्म विद्ध कर्म है हम सर जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में व्याख्यान ले रहे हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के जो वैद्य है उनको भी ही विद्ध कर्म और अग्निकर्म कैसा करेंगे, एक्यूरेट कैसा करेंगे, एक्यूरेसी कैसी रहेंगी वो पता नहीं था, इसलिए हमें ये लेक्चर लेने हैं। पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, बहुत चीप है, प्रैक्टिस इंक्रीजिंग ये विद्ध कर्म अग्निकर्म चिकित्सा है। मेरे पास अभी जो पेशेंट है आज की ओपीडी बताता हूँ, मैं ओपीडी में बैठे ही लेक्चर शुरू किया हूँ। अभी 150 पेशेंट हमने सुबह चेक किए हैं और रात में भी 60 पेशेंट चेक करने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हमारी आगे बढ़ेगी, जब बढ़ेगी जब पेशेंट को हम इंस्टेंट रिजल्ट देंगे, तो इंस्टेंट रिजल्ट कब आएंगे, हम एक्यूरेसी कैसे काम करेंगे। और हमारे जो जैसे अभी नीतू मैडम ने बताया है विद्ध कर्म और अग्नि कर्म सिर्फ निडल चुबाना ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे पूरा शास्त्र है, उसके पीछे आयुर्वेद का दोष दुष्य संप्राप्ति है, ये हमें समझना चाहिए। और ये जो प्रोसीजर है हम
विद इन वन सेकंड कर सकते हैं, इतनी हम आज सीखना है हमें। सबको पता है कि ये जो पेन है, पेन मैनेजमेंट के लिए विद्धकर्म काम करेगा और डिसीज मैनेजमेंट के लिए भी विद्धकर्म काम करेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ थियोरेटिकली, तो आपको सबको पेन पता है पेन क्या होता है। जब पेशेंट को पेन होता है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे कोई पेन किलर दे दो या मुझे कोई एनाल्जेसिक दे दो, इंजेक्शन दे दो या स्टीरॉयड दे दो। आजकल तो पेशेंट सीधा प्रेडनिसोलॉन जैसे स्टीरॉयड सीधा मार्केट से मेडिकल से खरीद के, लेकिन आयुर्वेद में जो शूल प्रशमन गन है वो इतना प्रभावी नहीं था, तो आयुर्वेद में पेन मैनेजमेंट है ही नहीं ऐसा बोलते थे। लेकिन रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, विद्धकर्म, ये सारे पेन मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से काम में आते हैं। तो ये जो विद्धकर्म और अग्निकर्म है इसका वर्णन कहाँ पे है ऐसा हम देखेंगे। तो सिरा व्याध विधि शरीरम अध्ययन जो सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में आया है वहां पे रक्तमोक्षण और विद्धकर्म का वर्णन है, बेसिक वर्णन वहां पे है। अग्निकर्म विधि अध्याय व्याख्या समय जो हमारा सुश्रुत शारीर स्थान में वहां पे बेसिक वर्णन है, लेकिन हर एक डिसीज में आगे जाके बताया गया है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कर्म करना है, वो मैं आगे बताते जाऊंगा। विद्ध कर्म, विद्ध मीन्स क्या है? अभी हम विद्ध कर्म का अग्निकर्म का लेक्चर ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे नए गुण है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से भी फोन आया था और साउथ से भी बहुत सारे फोन आए थे कि आप जो लेक्चर है वो सर। हेलो, हाँ मेरे पास एक तमक श्वास का वेगावस्थनी का रुग्णा आया है, तो अगर मैडम डायरेक्ट वीडियो ले लो मैं कॉल कर। कैसे मतलब जिन वैद्य को देखना है कि लाइव कैसे करते हैं, रुग्णों को कैसे फर्क पड़ता है, तो सीधा सीधा ले। ओके थैंक यू मैडम, ला है कर होस्ट कर। ओ आई हाँ मैम शेयर वीडियो शेयर करो। स्टार्ट शेयर ओके। अच्छा नहीं वीडियो नहीं डायरेक्ट तो ऑन करें इसे पूरा डायरेक्ट ऑन करें। ऑन किया उसे उसे कैमरा ऑन करना। अच्छा कैमरा उसे वीडियो ऑन। मैम फक्त बैक कैमरा ऑन करा। बैक करूँगा। ओके ओके। हाँ एक मिनट। ओके पेशेंट दिखते हैं का? हाँ मैम। दिसतो है ना? ये 26 नंबर की नीडल है जो हम हाफ इंच की लेते हैं, ठीक है? इज इट विजिबल? सिर्फ लंबी सांस ले, फक्त फुल श्वास लेते हैं। दिख रहा है क्या? हाँ मैम दिख रहा है। देखो अभी हाँ तो दिखता है, क्लियर है? खोल चुका है। सिर्फ हम लोगों ने इतना टिप ही प्रिक किया है, ठीक है? यहाँ से कोई ब्लीडिंग हुआ नहीं है। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट करते हैं जो कुरपर संधि के ऊपर और नीचे चार अंगुली ऐसे हम करते हैं, तो दोनों में से एक भी पॉइंट करते हैं तो भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। पेशेंट में दोनों साइड से डीप है, इसके लिए मैं दोनों साइड से विद्या करूंगी। फुल डेप्थ से जाएंगे पूर्णवृहि। ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल का मिडियल टू थर्ड और ये लैटरल वन थर्ड। यहाँ पे हम लोगों को ये पॉइंट नीचे करना है और सिर्फ अर्धवृहि ही करना है। अगर ऐसे इस वक्त अगर ओबेस पेशेंट होता है तो हम लोग वो पूर्णवृहि करते हैं, लेकिन जो पेशेंट ओबेस नहीं रहते हैं उनमें हम लोग अर्धवृहि ही करते हैं। यहां से रक्तमोक्षण हुआ है, रक्तमोक्षण होने के बाद जहां से रक्तमोक्षण हो रहा है वहां कहीं कभी भी स्वैब नहीं रखना है। हम लोग जो कर रहे हैं वो सिरावेद ही है, ठीक है? इसके लिए कभी भी जहां से रक्तमोक्षण हो रहा है उसके नीचे हम लोगों को कॉटन का स्वैब रखना है, जिसकी वजह से सिर्फ पेशेंट के जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होने चाहिए।
हम लोगों का हेतु ये नहीं है कि हम लोगों को वो जो ब्लड आ रहा है वो रोकना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये अगर यहाँ से एक्चुअली बहुत अधिक, मैंने पहले जो बताया कि दूर ये जो है सिरा यहाँ की ये थोड़ी सी कम प्रिक हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी गठन जो शोथ है वो आ गया है, शायद से वीडियो में नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये शोथ आया है, मतलब यहाँ पर जो दोष है वो ज्यादा है। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको विद्ध करते हैं तो 26 की बजाय हम लोग 24 नंबर की नीडल लेते हैं और उससे ही विद्ध करते हैं। श्वास घ्यायला इकडच्या आणि तिकडच्या बाजूमध्ये काही फरक वाटतोय का? नहीं मोकळा सर। आपको सांस लेने में क्या फर्क लग रहा है, इस साइड में और इस साइड में कुछ अलग लग रहा है? इधर की जो साइड है वो पेशेंट कह रहा है कि जो राइट साइड है वो खुल गई है, लेफ्ट जो है वो अभी भी पैक है, क्योंकि इस पेशेंट को दोनों साइड से भी वीजिंग है, तो हम लोग अभी लेफ्ट साइड से भी विद्ध करेंगे। जिनको पहले अच्छे से दिखा नहीं है वो वापस से एक बार देख ले। यहां से देखिए रक्त मोक्षण हो गया है और हमें जो कॉटन है वो सिर्फ नीचे रखना है, जहां तक के वो ब्लड लेटिंग हो रहा है वो होने ही देना है। अब इस रुकना में लेफ्ट साइड से जो वीस थी वो ज्यादा थी, राइट से थी वो कम थी, तो यहाँ पे लेफ्ट में ही ज्यादा रक्त मोक्षण हुआ है। इस साइड में हम लोगों ने कुरपर संधि के ऊपर किया था, यहाँ पे हम लोग नीचे बता रहे हैं चार अंग। क्लेविकल मीडियल 2/3 लैटरल 1/3, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली चाइनीज एक्यूपंचर में आया है, ये हमारे ग्रंथ में नहीं आया। आता कसं वाटतंय? सीवाडतं बघा थोडं, दोन्ही साईडला ना, डावीकडे पण उजवीकडे। थँक्यू। चलो थैंक यू सर। बीच में ही आपको ऐसा रुकना पड़ा इसके लिए, लेकिन लोगों को लाइव अगर बताते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। जैसे आप या हम नागर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे विद्या करने के बाद में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, इतने तुरंत रिलीफ मिल जाता है, कुछ भी कहते हैं, ये जो है के लिए मैंने सोचा चलो आया ही है पेशेंट तो तुरंत लाइव बता देते हैं। दुग्ध शर्करा युग है मैडम ये। ए माझा दिसते का रे आता? हो सर। अलग ना? हो हाँ। अभी आज का दिन ही बहुत बढ़िया है, जैसे श्वास के बेगाव से के पेशेंट नहीं मिलते हैं और उनका वीडियो करने का टाइम भी नहीं मिलता है। अरे मेरे श्वास के पेशेंट को जो है मैडम ने अभी बताया है, ये पेशेंट को वीडियो करने का भी टाइम नहीं रहता क्योंकि उसको श्वास कष्टता बहुत रहती है। तो ये आपने देखा होगा मैडम के अभी चलते चलते पेशेंट आ गए, तो ये डेली रूटीन वाले पेशेंट है। ये जो अभी मैंने इमरजेंसी बोली थी, ये जो अभी आपने देखा है वो इमरजेंसी ही थी, क्योंकि पेशेंट लेता है असाइनिंग पंप लेता है और बहुत दिन तक पंप लेने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो हम जो ये विद्ध कर्म करते ऐसे पेनफुल कंडीशन पे, ऐसे इमरजेंसी कंडीशन पे, ये इतना फास्ट अच्छी तरह से काम करता है, ये आपने देखा। और आगे आगे जैसे अलग अलग डिसीज में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये विद्ध कर्म जो पिन पॉइंट काम करेगा और बेस्ट काम करेगा। अरे इसकी संप्राप्ति वगैरह मैडम ने पूरी डिटेल से बताई है, तो हमारा आगे व्याख्यान करेंगे। ये जो विद्ध
मीन्स सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में आया है, विद मीन्स टू पंक्चर, ये दो तरीके से आया है, डिसीज मैनेजमेंट के लिए आया है और पेन मैनेजमेंट के लिए आया है। जैसे पेन मैनेजमेंट का मैं आगे बताते जाऊंगा, डिसीज मैनेजमेंट भी बताऊंगा। एक एग्जांपल आपने अभी देखा है कि अस्थमा जैसा पेशेंट है और वेगावस्था में आया है, तो वेगावस्था में हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन सबसे फास्ट जो रिजल्ट आता है वो विद्धकर्म से आता है। पेशेंट बेड से नीचे होने तक उसका श्वास कास हिक्का चला जाता है, हिक्का के भी पेशेंट जब आएगा तब सिंपल एक विद्ध से कम हो जाता है। तो ये जो विद्धकर्म आया है डिसीज और पेन मैनेजमेंट के लिए आया है। तो हर एक व्याख्यान में मैं तीन बातें बताता हूँ, एक ही बात तीन बार बताता हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ। विद्धकर्म हम जब कर रहे हैं तो विद्धकर्म के स्थान जो है निश्चित है। अभी आपने देखा होगा मैडम ने विद्धकर्म किया, उसके स्थान निश्चित थे। पूरी संहिता में जो कहीं भी जाओ रक्तमोक्षण के स्थान निश्चित है, तो कहीं पे भी विद्धकर्म नहीं करना है। आपको देखना है कहाँ कहाँ विद्धकर्म बताया गया है, वहां पे विद्धकर्म दिया। जैसे सुश्रुत संहिता में दिया है ये व्याधि में यहाँ पे करो, वो व्याधि में वहां पे करो, लेकिन अग्निकर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। अग्निकर्म के बारे में यही बताया कि अत्यग्र शूले दहेत, ये बात मैं हमेशा बताता हूँ। इतने स्टूडेंट आके चले गए हैं, सब सीखते हैं, लेकिन एक ही बात भूल जाते हैं कि कहीं पे भी पेन है हम विद्ध कर देंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अग्निकर्म जो चिकित्सा है ये विद्ध कर्म जो चिकित्सा है ये अनुशस्त्र की है। शल्य कर्म जैसे ही हमें करना है, तो एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक्यूरेसी पे सब ध्यान देना है, क्योंकि एक्यूरेसी ही आपको अच्छा और परमानेंट रिजल्ट देने वाली है। ये जो विद्धकर्म है इसका इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ। अभी जो आपने देखा मैडम ने 26 नंबर की नीडल यूज की है, तो हमें जो भी नीडल यूज करना है वो हॉलो होना चाहिए। जैसे आप एक्यूपंक्चर में देखते हो, या जो हॉलो नीडल नहीं यूज की जाती है, जैसे एक्यूपंक्चर में रहेगी वहां पे हॉलोनेस नहीं है नीडल का, तो हमें विद्धकर्म के लिए नीडल का बोर होना जरूरी है। वहां से हमें दुष्ट रक्त या दुष्ट वायु आने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम 26.5 नंबर यूज करते हैं। 24 नंबर की भी नीडल हम यूज करते हैं और स्काल्पेन भी हम यूज करते हैं। ध्यान में इतना रखना है हम जो यूज कर रहे हैं वो हॉलो ना हो। एक्यूपंक्चर जैसी नीडल अगर हम यूज करेंगे तो वहां से दोष निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हम हॉलो नीडल यूज करेंगे। तो 26 नंबर की ही नीडल हम क्यों यूज करते हैं, इसके लिए हम बताते हैं कि जो परिमाण बताए हैं हम ग्रंथोक्त ही करते हैं सब जगह पे। तो हर एक पेशेंट का अंगुली प्रमाण हम देखते हैं। अभी मैडम ने विद्धकर्म किया है तो वह प्रैक्टिस से किया है, तो चार अंगुली नीचे चार अंगुली ऊपर जो मैडम ने बताया है वो पेशेंट के चार अंगुली है। तो वो जो अंगुली प्रमाण है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। हम हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पहले हम अंगुली देखते हैं, अंगुली प्रमाण देखते हैं, उसके बाद में उसके अंगुली का मापन लेके हम विद्धा और अग्निकर्म करते हैं। ये जो ग्रंथ में वर्णित है उसके हिसाब से, तो वहां पे जो वर्णन आया है वहां सेंटीमीटर या मीटर से ऐसा नहीं आया है, तो व्रीही प्रमाण से आया है। तो एक व्रीही मीन्स एक चावल है, तो एक बड़ा चावल जो बासमती चावल रहता है वो अगर हम मेजर करेंगे तो 11 से 13 एमएम तक आता है। और जो अभी मैंने निडल बताई है, जो अभी मैडम ने विद्धकर्म किया है, वो निडल भी 12 एमएम की है। इसलिए हमें जो अर्धव्रीही एक व्रीही हमें विद्धकर्म करने के लिए डेप्थ चाहिए, वो निडल सबसे इजी जाती है। इसलिए 26/2 यही निडल हम सबको यूज करनी है। हम और अगर पेशेंट बड़ा है या मोटा है या उसके फैट ज्यादा है तो हम 24 नंबर की भी नीडल यूज करते हैं, लेकिन वो डिसीज के हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे मैडम ने बोला है कि यहाँ पे एक व्रीही करना है, यहाँ पे अर्ध 1/8 प्रमाण में करना है, तो वो डिसीज के हिसाब से आगे आगे डिसाइड होगा। दूसरा है विद्धकर्म के बारे में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बुक्स में सब मिलने वाला है। अग्निकर्म, अग्निकर्म दाह चिकित्सा, काय चिकित्सा से अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो हमें क्षार कर्म करना है। क्षारात अग्निगरियन, क्षार से भी अग्निकर्म श्रेष्ठ है, तो अग्निकर्म हमें करना है। ये जो अपूर्ण अपुनर्भव चिकित्सा है, तो अभी भी मैं जब गोप्टे सर का क्लिनिक संभाल रहा हूँ तो पेशेंट आते हैं 40 साल पुराने पेशेंट आते हैं। मुझे लगता है परसों एक पेशेंट आया था, सर ने उसको 1987 में किया था, मीन्स मेरे पैदा होने के पहले किया था उसको अग्निकर्म। तो वो पेशेंट अभी परसों आया था और बोल रहा था कि सर ने तब मुझे तब अग्निकर्म किया था, मैं गिर गया था, तो अभी फिर से दुख रहा है तो मैं आपके पास आया हूँ। तो ये अपुनर्भव चिकित्सा रहती है। अत्यग्रे शूले दहेत यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैंने अभी बताया था कि विद्धकर्म करते समय एक्यूरेसी हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते। अब विद्धकर्म करते समय
जो स्थान है वो निश्चित है, अग्निकर्म हम अत्यग्र शूले दहित करते और इसके हिसाब से बाद में विद्ध कर्म के स्थान पे भी हम अग्निकर्म कर सकते हैं। तो क्षारात अग्नि गरियाम ऐसा है, तो क्षार कर्म से भी अग्नि श्रेष्ठ है। तो अग्निकर्म के हम उपकरण देखेंगे तो सुवर्ण शलाका, पंचधातु शलाका, मृत्तिका शलाका, गुड़, हरिद्रा, ऐसे बहुत सारे उपकरण है। ग्रंथ में आप देखोगे तो वहां पे कहाँ कहाँ पे अग्निकर्म करना है उसके हिसाब से आया है। जैसे गोदंत शरशलाका त्वक गता नाम, तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि गता नाम, इतर लोहा मांस गता नाम। तो जगह जहाँ पे स्थान है उसके हिसाब से अग्निकर्म की शलाके आई है। तो जो गोक्टेश्वर वैद्य अग्निकर्म शलाका यूज करते थे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो शलाका है 14 कैरेट की या 18 कैरेट की हम यूज करते हैं। और ये जो शलाका है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, 2 mm थिकनेस रहता है, उसका जो एंड है वो 4 mm का रहता है। तो शलाका जो है हम एक बार ही बनाते हैं। आपने देखा होगा विद्ध कर्म के लिए हम जो निडल यूज करते हैं बहुत चीप है, मुझे लगता है 80 रुपए में 100 निडल आती है। और जो ये शलाका जो है एक बार बना लेंगे तो पूरे जिंदगी भर यही शलाका हम यूज करते हैं। तो हम हमारा जो विद्ध कर्म और अग्निकर्म का सामान है या हमारे उपकरण है बहुत चीप है, तो हम आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें वो एक्यूरेसी सीखनी है, हमें कहाँ कहाँ करना है। दूसरी बात है कि हम उपकरण में देखेंगे, हम मृतिका का भी अग्निकर्म करते हैं, हरिद्रा का भी अग्निकर्म, अभी मैडम ने जैसे बताया हरिद्रा का भी अग्निकर्म करते हैं। तो ये विद्ध कर्म और अग्निकर्म करने के लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये उपकरण है जो हम कहीं भी बनवा सकते हैं और हम कर सकते हैं। तो ये इतने चीप है, आपने लोहशला का देखी होंगी, हम ये कॉर्न में यूज करते हैं, हर कॉलेज में रहती है। तो ये जो लोहशला का है हम, मुझे लगता है 70-80 रुपए में आती है। तो ये सारे विद्ध कर्म और अग्निकर्म के उपकरण बहुत सस्ते है और हम आज करते हैं। ये विद्ध कर्म अग्निकर्म के प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमेशा ये बातें ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी जो मैंने अभी बताई है विद्ध कर्म और रक्तमोक्षण के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म के लिए हमें दुष्ट कर्म चाहिए, पहले देखा हुआ चाहिए, और अत्यग्र शूले दहित हम ऐसा कर सकते हैं। प्रेग्नेंट और इन्फेंट पे नहीं करना है रक्तमोक्षण, ऐसा ग्रंथ में दिया है, लेकिन विद्ध कर्म हम प्रेग्नेंट पे या इन्फेंट्स पे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा रक्तस्राव नहीं होता है। जैसे रक्तमोक्षण में ज्यादा रक्तस्राव होता है, आपने देखा अभी विद्ध कर्म मैडम ने बताया आपको, वहां पे रक्तस्राव ज्यादा नहीं है, तो हम वहां पे प्रेग्नेंट और इन्फेक्ट्स में भी कर सकते हैं। सिर्फ भीरो जो घबराता है उसको करते समय हमें उसको बताना है कि आश्वासन देके हम कर सकते हैं। मर्म पे विद्ध कर्म और अग्निकर्म नहीं करना है, ग्रंथ में बताया है, लेकिन काफी लोग करते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग अनुभव है। लेकिन सर बताते थे कि यत्र पीड़िते स्पंदनम रूपचतत मर्मम, जहाँ पे हम हाथ लगाएंगे, जहाँ पे हम प्रेशर देंगे, वहां पे ज्यादा वेदना है तो वो मर्म है। लेकिन ग्रंथ में मर्म पे अग्निकर्म करो ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है। तुम क्षिप्र मर्म के ऊपर, विदुर मर्म के ऊपर, मर्म के आजू बाजू में अग्निकर्म दिया है, मर्म को छोड़ के अग्नि हमें विद्ध कर्म और अग्निकर्म करना है, वो मैं आगे आगे बताती जाऊंगा। वर्षा अभ्रे निशाग में ऐसा हमें ग्रंथ में है कि रक्तमोक्षण नहीं करना है, अगर बारिश गिर रही है तो रक्तमोक्षण नहीं करना है, दुर्दिन है तो नहीं करना है, रात को हम रक्तमोक्षण नहीं करते, लेकिन विद्ध कर्म हम पूरी जगह पे करते हैं। प्रैक्टिकली हम बारिश का इतना हम सोचते नहीं है क्योंकि वहां पे रक्तस्राव ज्यादा नहीं रहता है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर पता नहीं है कैसे करना है, आपको पता नहीं है दोष दुष्ट संप्राप्ति है, आपको पता नहीं है कि विद्ध कर्म का रोल कहाँ पे है, तो आपको सीख के करना है। ना पता हुए अगर हम करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, अभी मुझे लगता है मेरे पास 40 स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं यहाँ पे पुणे में, नांदेड़ में 60-70-80 स्टूडेंट है सीख रहे, लेकिन अभी तक 1-2 हजार लोग आके चले गए, सीख के देख के चले गए। लेकिन उनका अनुभव मैं ये बताता हूँ कि जगह चूकते हैं, कहाँ एक्यूरेसी चूकती है, और बहुत जल्दी रहती है विद्ध कर्म करने की, सोचे बगैर विद्ध कर्म अग्निकर्म करना चाहते, तो ये अच्छी तरह से सीख के अगर हम करेंगे, कहीं पे भी जाओ अच्छी तरह से हम कुछ दिन देखे अगर सीख के करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इमरजेंसी में पेशेंट आया, जैसे आपने देखा अभी श्वास का पेशेंट आया था, वेगावस्था में आया था, तो ऐसे पेशेंट को हम रहा नहीं देखेंगे, अभी तू रात को आया है, मैं नहीं रात में करूंगा, ग्रंथ में बताया है रात में नहीं कर सकता हूँ मैं विद्ध कर्म, ऐसा नहीं, हमें तुरंत करना है क्योंकि ये इमरजेंसी है। कैलकुलेट का पेशेंट आता है,
तो इमरजेंसी रहती है, हमें करना है, अपेंडिसाइटिस का पेन है। अभी मैं बताता हूँ, मुझे लगता है ये 15 दिन में हमने पेशेंट देखे अपेंडिक्स के बहुत ज्यादा, तो अपेंडिक्स फूटे हुए भी पेशेंट देखे हैं। अपेंडिक्स का पेन मैनेजमेंट करने के लिए भी विद्याकर्म कैसा काम करता है ऐसे पेशेंट देखे, तो ये इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं, हमें करना है। माइग्रेन इमरजेंसी रहता है, बहुत हेडेक होता है, उनको हमें विद्या करके एक सेकंड में रिजल्ट देना ही है। एब्डोमेन पेन है या सर्वाइकल पेन है, इन्हें हमें बाकी की कंडीशन देखने नहीं है, तुरंत हमें विद्याकर्म करना है। जैसे मैडम ने बताया कि एक ही शास्त्र के ऊपर रहना नहीं है, हम एक्यूपंक्चर पढ़ते हैं, मॉक्सिपेशन पढ़ते हैं, वहां पे भी ईन यांग ये तत्व है, शीतोष्ण तत्व है, सब पढ़ना चाहिए, सब करना है, लेकिन हमें आयुर्वेद आके लेके आगे लेके जाना है, क्योंकि आयुर्वेद में ही बेसिक ट्रीटमेंट रहेगी, लेकिन सभी शास्त्रों का आधार हम उसके साथ में ले सकते हैं। तो विद्याकर्मा अग्निकर्मा वर्क्स कैसे करेगा, तो शास्त्र के हिसाब से हर एक डिसीज में अलग अलग है, मैं बताते जाऊंगा आगे आगे, लेकिन हम मॉडर्न के हिसाब से हम अगर करेंगे तो ब्लड वेसल का डायलिटेशन अग्निकर्म करेगा, और विद्याकर्म में हमें पेरिफेरल रिसेप्टर के जो लार्ज सेंसरी फाइबर्स है उनका लोकल लैटरल इनहिबिशन हो जाएगा, और हमें जैसे हम जेंडुबाम लगाएंगे या कुछ वहां अप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आते हैं, वैसे ही हमें अग्निकर्म विद्याकर्म में रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन विद्याकर्म और अग्निकर्म मैं अभी प्रैक्टिकली लूंगा, वो प्रैक्टिकल देखने के पहले यू मस्ट स्टडी एनाटॉमी, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैडम ने बताया कि सर सर्जन थे और हर एक मसल, हर एक लिगामेंट, हर एक इंसर्शन सर पता था, शारीरिक रचना भी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, पार्श्नी आपने किसी ने वाग्भट पढ़ा होगा, तो वाग्भट में दिया है कि हमें पार्श्नी पे दाह करना है, तो एनाटॉमी क्या बोलेगी, अरे वहां पे तो एक बोन है, तो वहां पे बोन है और विषुचेका तो व्याधि ऊपर है, तो वहां से उसको ऊपर से और अधोमार्ग से द्रव निकल रहा है, ऐसा है, और अग्निकर्म तो हम एक बोन पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे शरीर रचना आएगी। शरीर रचना क्या बोलेगी, वो अस्थि मर्म है, अस्थि धरा कला कहाँ है पे, पुरुष पुरुष धरा कला साय व अस्थि धरा कला, तो पुरुष धरा कला पे काम होगा, तो पुरुष धरा कहाँ पे, धातुवा आशय अंतर मर्यादा है, तो इंटेस्टाइन के अंदर से होगी, तो ऐसा व्याधि है विसूचिका जहाँ पे फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां में वो तुरंत रुकाना है, तो वहां पे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो हमारा जो आंत्र है बहुत नाजुक बन गया है, तो वो अस्थिमर्म जो है हमारा पार्श्नी, वहां पे हम अगर अग्निकर्म करेंगे तो वो अस्थिमर्म की अस्थिधरा कला जो है, जो जिसे पुरुष धरा कला बोलेंगे, वो सिकुड़ जाएगी, और उसके वजह से जो इमरजेंसी कंडीशन है विसूचिका में, ऊपर से पानी जाने वाला है, नीचे से पानी जाने वाला है, उसको लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, वो रुकाने के लिए वाग्भट ने बताया है कि पार्श्नी पे दाह करना है। तो ये जो डिफरेंस है एनाटॉमी और दूसरा है, हमें मर्म पे बहुत इंपॉर्टेंस है, मर्म का ज्ञान होना चाहिए। बात रखता है क्षिप्र के मर्म के ऊपर दो अंगली हमें विद्या कर्म करना है, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पता होना चाहिए क्षिप्र कहाँ पे है, वो मर्म का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। सुनाई नहीं दे रहा है किसी पेशेंट को, हम उसको विद्या कर्म कर रहे हैं, तो विधुर मर्म के ऊपर हमें विद्या कर्म करना है, तो विधुर मर्म से वो संज्ञा श्रृंगार तक जाएगी और उससे हमारे आज्ञा चक्र का ज्ञान होगा, ये हमें पता होना चाहिए। सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटा पेशेंट है तो अलग रहेगा, बारीक पेशेंट है तो अलग रहेगा, तो ये दोनों पेशेंट में हमें सरफेस एनाटॉमी पता होना चाहिए। और ये जो मैंने अभी दोनों अध्याय बोले हैं, शिराव्याध विधि अध्यायम और अग्निकर्म विधि अध्यायम, ये हमें कम से कम ये बेसिक अध्याय दो पता होनी चाहिए। वो पता होने के बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे और उसका जब पूरी संहिता पढ़ेंगे, तो संहिता में जैसे दंत में दंत मांसगत व्याधि में विद्याकर्म करना शिराव्याध व्याधि अध्याय में दिया नहीं है, लेकिन जो व्याधि वर्णित है वहां की चिकित्सा में दिया है, तो हम ये दो बेसिक अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरा हम संहिता जब जब पढ़ेंगे तो हमें वो अवगत होते जाएंगे। तो सरफेस एनाटॉमी सब बहुत है, क्योंकि अभी ये जो पेशेंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेशेंट थोड़ा मोटा है, तो ये फ्रैक्चर हुआ था, तो फ्रैक्चर कैसे हुआ था हमें पता नहीं था, लेकिन हम जब सरफेस एनाटॉमी करने जाएंगे तो एक बाजू ऊपर एक बाजू नीचे भी हो सकती है, तो हमें वो ज्ञान पता होना चाहिए सरफेस एनाटॉमी के लिए, तो हम वो मार्किंग करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद में अग्निकर्म विद्याकर्म के लिए करेंगे। अभी ये जो मैंने मार्क किया है, मार्क करने के बाद मुझे पता चला कि अरे वहां पे सैकुलर प्रमोटिंग है या हमें L5 वर्टिब्रा मिल गया, उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे, तो ये सरफेस एनाटॉमी हमें बहुत जरूरी है। तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे हम। तो क्षिप्र व्याधि वातरक्त व्याधि, तो
पादस्य अंगुष्ठ अंगुलयो मध्ये क्षिप्रमर्म है तत्र विद्धस्य आक्षेप मर्म च। तो मैं बता रहा हूँ क्षिप्र मर्म पे अगर आघात होगा या वहां पे वेधन कर्म करेंगे हम तो आक्षेपन वर्णम ऐसा बताया है। तो वात रक्त व्याधि में क्या बताया है, क्षिप्र मर्म ने उपरिष्टा द्वय अंगुले व्रीहि मृकेन सिरा विद्धे, क्षिप्र मर्म के ऊपर हमें दो अंगुली करना है तो क्षिप्र मर्म छोड़ना है क्योंकि वहां पे मर्म है, मर्म को छोड़ के ऊपर हमें करना है। तो मैं सीधा गुप्तेश्वर विद्ध कर्म करते समय का वीडियो यहाँ पे प्ले, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आप देखोगे यहाँ पे मैं जब ये जो मैं वीडियो जब शूट कर रहा था, ये जो हाथ है नीतू मैडम का ही हाथ है, उन्होंने पहली बार निडल दी थी हमें। तो ये जो नीतू मैडम यहाँ पे वेदन कर्म कर रही है, गुप्तेश्वर वहां पे गुप्तेश्वर हमें पॉइंट बताते थे एग्जैक्टली। तो ये जो विद्ध कर्म पेशेंट को कर रहे, ये पेशेंट पाद दाह का था, आप उसकी उंगलियां देख रहे हो, आमोद की वजह से उसकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी और उसको पाद में बहुत दाह था। तो आप ग्रंथ निकालोगे तो आप वहां वात रक्त जो दिया है, वात रक्त में दो अंगुली ऊपर क्षिप्र के विद्ध कर्म करना है। ये जो विद्ध कर्म है ये कहाँ कहाँ पे, वात रक्त मीन्स क्या है, पाद दाह, पाद हर्ष, वात कंटक, वहां पे कुछ मार लगा है, स्तंभ है, तो ये सब व्याधियों में क्षिप्र के ऊपर हमें दो अंगुली कर्म वहां पे वेदन कर्म करना है। तो यहाँ पे डीप पेरिनुलर नर्व है, डॉर्सलिस पेडलिस आर्टरी है, मेटाटार्सल आर्टरी है, ये पूरी यहाँ पे शारीरिक रचना है, उसमें से हमें रक्त मोक्षण होगा। तो अभी मैं यहाँ बताता हूँ, एक डल्हन की टीका है, डल्हन ने बताया है, आप शुश्रुष चयनिस्तान में पढ़िए, तो डल्हन ने बताया है सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत, सूक्ष्म विद्ध किया है फिर भी अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत, यहाँ रक्त मोक्ष नहीं हो रहा है विद्ध में, तो विद्ध डल्हन बोलता है सूक्ष्म विद्ध है, अव्यक्त ब्लड आएगा नहीं आएगा लेकिन रक्त मोक्ष नहीं होगा, सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हमारा किसी का नाक का डिसीज है, हमें नाक को विद्ध कर्म रक्त मोक्षण करना है, तो रक्त मोक्षण कहाँ करेंगे हम, रक्त मोक्षण करने की जगह ही नहीं है, हम जैसा ब्लेड लेके वहां पे कट नहीं कर सकते, हमें वेन दिखेंगी नहीं, तो वहां पे वेदन कर्म करना है, विद्ध कर्म करना है, उसको सपोर्ट करने के लिए डल्हन ने बोला है सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत, अव्यक्त रक्त आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं देखना है, अव्यक्त रहेगा क्योंकि दोष स्तंभ रहेगा तो रक्त नहीं आएगा लेकिन वायु मुक्त होगा, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया क्षिप्र का, तो क्षिप्र कहाँ कहाँ करेंगे अभी मैं बताता हूँ कि आप अगर पढ़ोगे क्षिप्र मर्म से उपरिष्टा दो अंगुली विद्ध कर्म है, फिर से मैं ये विद्ध कर्म प्ले कर रहा हूँ, नीतू मैडम वहां पे विद्ध कर्म कर रहे थे तो हम शूटिंग कर रहे थे। तो अभी बताता हूँ विसर्प व्याधि है, आपने ग्रंथ देखो पढ़ोगे तो विसर्प व्याधि कहीं पे भी बॉडी में हो उसमें क्षिप्र के ऊपर दो अंगुली वेदन कर्म करना बताया है। तो ये बात जो है ग्रंथ में दी है, हम जब सर का बुक निकालते हैं वहां पे भी आप देखोगे तो क्षिप्र मर्म से उपरिष्टा दो अंगुले वहां पे वेदन कर्म है, यही पेशेंट हम विसर्प में भी करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं ग्रंथ में से वो हमें करने के लिए हम जब करेंगे तो अच्छी तरह से हमें रिजल्ट आते हैं। तो दूसरा हम आगे व्याधि की तरफ जाएंगे, जानु संधि ऊपर अधोवा चतुरंगले रुद्रश्यामी विश्वाचा, अब जो रुद्रसी है साइटी का बोलेंगे वो व्याधि में हमें जानु के ऊपर और अधो चतुरंगुले, जैसे आपको मैडम ने बताया था श्वास के समय चतुरंगुले, चतुरंगुले किसके लेना है, पेशेंट के लेना है, तो अभी ये पेशेंट को हम विश्वाची का वेदन कर्म वैद्य राघव गुप्ते सर कर रहे हैं, तो अभी प्ले कर रहा हूँ 2 सेकंड। पार्श्वतः मीन्स कहाँ पे, लैटरली वेदन कर्म लैटरली करना है, जो चार अंगुली ऊपर और नीचे ये हम विश्वाची में कर रहे हैं, तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर और नीचे कहाँ कहाँ पे काम आएगा, ये जो हमारा पेशेंट का पेन है यहाँ से नीचे तक जाएगा, हाथ को दुखेगा वहां पे हम करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, अगर मुझे यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे अगर दुख रहा है मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर दुख रहा है तो वेदन कर्म यहाँ पे करूंगा का नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं डिसाइड करूंगा उसको क्यों दुख रहा है यहाँ पे, तो मैं देखूंगा
उसको हिस्ट्री लूंगा, उससे बातें करूंगा, उसकी हिस्ट्री लेने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर उसका वात रक्त है, एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, अगर किसी को मार लगा है, मार लगने के बाद क्या होता है सबको पता है रक्त दुष्टि होती है, बाद में क्या होता है वात दुष्टि होती है, तो हमारे लिए वात रक्त हो गया, तो यहाँ दुख रहा है तो यहाँ पे हम वेदन कर्म नहीं करेंगे, वो वात रक्त में गया तो क्षिप्र मर्म से उपरिष्टात दो अंगुली यहाँ पे हम वेदन कर्म करेंगे तो यहाँ का कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे दुख रहा है वहां पे वेदन कर्म करेंगे। दूसरी बात है, अगर रुद्रसी में क्या होता है स्पीक पुर कटि पृष्ठो उरु जानु जंगम पदम क्रम, ऐसे वेदना रहती है साइटिका में, जैसे रुद्रसी में जैसे वेदना है वैसे अगर हाथ में है तो उसको हम विश्वाची बोलते हैं, अगर से आगे तक वेदनाएं जा रही है तो हम चार अंगुली ऊपर और नीचे वेदन कर्म करेंगे, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं जहाँ पे दुख रहा है वहां पे वेदन कर्म करते हैं। तो अभी ये फिर से वीडियो प्ले करता हूँ, इंपॉर्टेंस है चार अंगुली ऊपर और चार अंगुली नीचे, किसकी अंगुली पेशेंट की अंगुली, कहाँ पार्श्वतः मीन्स लैटरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस एल्बो आएगा इसमें लगने का पेन आ जाएगा इसमें, यहाँ पे अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से भी अगर रेडिएटिंग हमें पेन है रेडिकुलोपैथी है तो ही यही पेशेंट पॉइंट हमें काम में आएंगे, ध्यान में रखना है एक्यूरेसी पे बहुत इम्पोर्टेंस है। रुद्रसी थोड़ा सा आगे करता हूँ, वो दूसरा अलग पॉइंट है, ये जो रुद्रसी का पॉइंट है जैसे हमने हाथ को किया था वैसे ही पैर को कर रहे हैं, यहाँ पे लैटरल क्यूटानस नर्व है थाई की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है रुद्रसी में, और लैटरल ब्रांच ऑफ जेनिटिकल जेनिकुलर वेन एंड आर्टरी जो हमें रक्त मोक्षण में काम आती है, तो जानू के ऊपर चार अंगुली नीचे चार अंगुली पेशेंट के चार अंगुली रुद्रसी में करते हैं, तो पेशेंट को पीठ में मार लगा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट और क्लियर करता हूँ, नए बच्चे है कुछ पुराने स्टूडेंट भी है, तो अगर पेशेंट को लंबर स्पॉन्डिलिस है लेकिन वो चल रहा है रुद्रसी वक्त, तो हमारे यहाँ पे क्या बोला है अगर पीछे से पैर तब वेदना जा रही है तो हम वो साइटी का मॉडर्न के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पे रुद्रसी होगा वो, तो रुद्रसी में कहाँ करना है जानू से ऊपरी अधो चतुरंगुली हम वेदन कर्म करेंगे, लेकिन हमें एनाटॉमी भी पता है, कहाँ पे पता है कि हमारी जो साइटी का नर्वा है L2-3-4-5 S1-S2-S3 यहाँ से निकलेगी, तो वहां पे हम इंटरवर्टिबल डिस्क पे अग्नि कर्म करेंगे, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो शरीर रचना और एनाटॉमी ये दोनों अलग अलग चीज है, सबको लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हो, एनाटॉमी मीन्स मॉडर्न का है नर्व का टिश्यू का मसल का लिगामेंट का है, लेकिन शारीर रचना हमारी दोषों की है, हमारी मर्म की है, हमारी कलाओं की है, हमारी त्वचाओं की है, तो ये शारीर रचना बोलेगी हमें कि जानू के ऊपर अधूरी चतुरंगुली हमें वेदन कर्म करना है रुद्रसी में, लेकिन उसका नर्व का ओरिजिन कहाँ है पीछे से है, तो वहां पे हम अग्निकर्म करते हैं, तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाती है ऐसे पेशेंट में, तो हमें ये सब पढ़ना है सब सीखना है। तो दूसरा पेशेंट है गोप्टे सर का ही पेशेंट है, विश्वची स्कंदशूल बोलते हैं हम, स्कंदशूल में हर एक पेशेंट को विद्ध कर्म करने के पहले ये अनुशास्त्र है, कंसेप्ट पेशेंट का कंसेंट लेना है, उसकी अनुमति लेना है, अगर अनुमति नहीं लेंगे तो ये शल्य कर्म जैसा है, तो हमें मेडिकल लीगल एस्पेक्ट रहते हैं, तो अनुमति लेना है, जैसे यहाँ पे विश्वाची प्रभुतेषु पाद दहायंतेषु यथायोक्तम सिरम विद्वा वात व्याधिवत उपाचरित, जैसे विश्वाची में बताया है ऊपर हम ट्रेपेजियल मसल्स है उनके, अगर आप नेक के मसल्स देखोगे तो तीन लेयर में है वहां पे, तो वो लेयर के हिसाब से भी हमें एनाटॉमी बताएगी कि विद्ध कर्म हमारा कहाँ तक जाता है, अर्धवृत्त जाता है तो कहाँ तक जाता है, अगर हमारे ट्रेपेजियस मसल्स है उसकी अपर बॉर्डर पे करना है या लोअर बॉर्डर पे करना है, हमें हमारा प्रैक्टिस और अनुभव आगे बताते जाता है। तो ये पूरी तरह से विश्वाची की ट्रीटमेंट हो गई। फिर से बताना चाहूंगा, मार लगा है वात रक्त हमारे वेदना है, पाद दाह हस्त दाह स्तंभ है, तो हम वात रक्त में जो विद्ध कर्म दिया है क्षिप्र मर्म के ऊपर दो अंगुली करेंगे। दूसरी बात है कि हम जानू के ऊपर और नीचे रुद्रसी में किया है, विश्वाची में कहाँ करेंगे, विश्वाची में अगर हमारा रेडिएटिंग पेन है तो कर्पूर संधि के एल्बो जॉइंट के ऊपर नीचे करेंगे पार्श्वतः, पार्श्वतः ये वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है, अब सीधा ऊपर जाएंगे तो डीप लिंगुअल वेन है हमारे पूरे जिह्वा विकार अधोदंत विकार में, हमें बताया है जिह्वा मूले वेदित, जिह्वा रोग है जिह्वा मूले वेदित, जिह्वा विकार में हमें जिह्वा मूल पे वेदन कर्म करना है पूरे सारे। सातारा का पहला व्याख्यान दूसरा व्याख्यान हुआ था तो हमारे एक सर ने वीडियो भेजा था, ये पेशेंट को
अभी जैसे आप लोग आज का लेक्चर देख रहे हो, वैसे सातारा का लेक्चर जिन्होंने देखा था उन्होंने तुरंत जाके ओपीडी पे ये विद्ध कर्म किया था। तो आप देखो कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये पेशेंट को बुखार था, 6 महीने ट्रीटमेंट चली बुखार की, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पदार्थ कौन सा है, टेस्ट नहीं आ रही थी। तो ऐसे पेशेंट में वो जीवा विकार हो गया, तो ऐसे पेशेंट में विद्ध कर्म के बाद तुरंत उसको टेस्ट आने लगी। मुझे लगता है हमने कोविड में कम से कम 2500 से 3000 पेशेंट को पूरी प्रिकॉशन लेने के बाद हम अधोजीवा पे वेदन कर्म किया है, जिनको 10 दिन से 15 दिन से टेस्ट नहीं आ रही थी। तो ये अधोजीवा विद्ध कर्म कहाँ कहाँ पे काम करेगा? सब जीवा विकार में काम करेगा, विशेषता रक्तज कफज जीवा विकार में काम करेगा। दूसरी बात है वाक मिन मिन है, जिनकी जीवा जड़त्व रहता है, कुछ शब्द बात नहीं बोल नहीं पाते बच्चे लोग, जैसे र नहीं बोल पाते, क नहीं बोल पाते, तो ये बच्चों में देखिए जीवा जड़त्व में हम ये विद्ध कर्म करते हैं। पैरालिसिस के बाद भी जब जीवा जड़त्व होता है या जीवा का पैरालिसिस आता है पेशेंट में, बात नहीं कर पाते, तभी भी ये काम में आता है। दूसरा है कि अधोदंत विकार में एक काम में आता है, मुखपाक में काम आता है, तो जिह्वा विकार में सब जगह पे हमें ये वेदन करना काम आता है। दूसरा है गंध अग्रणी नासा रोगी नासाग्रे विद्युत, गंध ज्ञान ही नहीं हो रहा है हमें, गंध अग्रहण है। तो हम ये कोविड के पेशेंट में इतना काम किया है, पेशेंट बोलते मुझे कोई टेंशन में आया पेशेंट और उसको सुगंध आ ही नहीं रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हमने बहुत सारे पेशेंट में किया है। तो एक विद्ध कर्म करने के बाद पेशेंट को रिजल्ट आता है। अभी मैं सर के पास था तब एक पेशेंट का विद्ध कर्म, ये पेशेंट को सर विद्ध कर्म कर रहे हैं, पेशेंट को कुछ पता भी नहीं था कि बाजू की घर वाले में बीबी क्या बना रही है खाने में, पता नहीं था। तो वो सर के पास आता था तो सर ने एक ही, मुझे लगता है एक ही पेशेंट का विद्ध कर्म किया, और ये विद्ध कर्म करने के बाद वो पेशेंट को बाजू वाली क्या बना रही है वो स्मेल आ रहा था, तो इतना फास्ट वो विद्ध कर्म काम करता है। तो नासा विकार, नासा गंधे नासा रोगी नासाग्रे विद्युत, नासा विकार कौन कौन से, डीएनएस आएगा इसमें, स्मेल नहीं आ रहा है, नासा गंधे वहां पे आएगा, नासा में दाह है। कभी मेरे पास परसों पेशेंट आया था, नाक दुख रही थी बोला था, अभी नाक दुख रही तो क्या दवाई दो भाई, संपर्क कुछ नहीं लग रही थी, तो उसको मार लगा था ऐसे चिपक के सोया था, तो ठीक है नासा रोग है, नासाग्रे विद्ध कर्म कर लिया, बाहर जाते इस समय पेशेंट बोला सर ठीक हो गया मैं, तो इतना फास्ट ट्रीटमेंट रहेगा। अगर मैं उसको गूगल दे दूंगा, उसको कुछ संप्राप्ति निकालूंगा, गूगल दूंगा, घर पे जाके खाएगा, 7 दिन बाद उसको रिजल्ट आएगा, आएगा आयुर्वेद श्रेष्ठ है रिजल्ट आएगा, लेकिन इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट ये विद्ध कर्म और अग्नि कर्म हमें देते हैं। तो जैसे आप देखा होगा कि श्वास विकारण में जो विद्ध कर्म मैडम ने बताया है, तो ये मैं अभी गुप्ते सर, ये पेशेंट को श्वास विकार भी था और हस्तांगुली स्तंभ भी था, तो सर ने कॉम्बिनेशन किया है, तो हम विद्ध का कॉम्बिनेशन भी करते हैं, जैसे क्षिप्र भी साथ में लेते हैं। तो ये श्वास का पेशेंट था, तो श्वास के पेशेंट को विद्ध कर्म किया था, साथ में स्तंभ भी था, तो स्तंभ के लिए भी सर वहां पे विद्ध कर्म कर रहे हैं। न एतत् मम, मेरा कुछ नहीं, जो सर ने किया मैं सर का ही वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है सर्जन हैंड है, 80 साल के ऊपर, मुझे लगता है 90 साल का हैंड है, और 90 इयर्स का हैंड होते हुए भी हाथ कांप नहीं रहा है, क्योंकि वो सर्जरी का हैंड है। तो हमें योग्याभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर के पास जाते समय तो मैं प्रैक्टिस करता था, मैं एप्पल लेके बैठता था, पेरू लेके बैठता था, तरबूज लेके बैठता था, और उस पे निडल चुबा के देखता था, अरे अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं जा रही कि नहीं जा रही। तो ऐसे कागज के कपड़े लेता था पूरे ऐसे, और उसके वहां पे विद्ध कर्म करता था कि इतनी डेप्थ कितनी जाना है। तो ये योग्याभ्यास भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैं मेरे क्लासमेट के साथ जा रहा था, तो वहां पे आप एक एप्पल था और हमारे पास 5 लोग थे, और 5 लोगों में हमें एप्पल खाना था, तो मेरे पास खाली एक नीडल थी, तो नीडल से हमने वहां पे सर्जरी की एप्पल की, और बराबर उसकी खाली स्किन निकाली, उसके बाद में उसका मगज निकाला। तो ये जो है ये सर सिखाते थे कि प्रैक्टिकल करने पहले हमें योग्याभ्यास करना है। तो ये सब जो शल्य कर्म में आया है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे का पेशेंट रहेगा, विद्ध कर्म का पॉइंट रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, अभी देखोगे मैं यहाँ पे आवाज प्ले कर रहा हूँ, ये नीतू का ही हाथ है, मैंने बोला था ना नीतू मैडम ही हमारे दूसरे गुरु है, पहले वैद्य राघव गुप्ते सर थे विद्या अग्नि कर्म के, तो ये हाथ तो नीतू मैडम का ही है। तो ये देख देख के हमने सीखा है, मैडम ने हमको सिखाया है। तो यहाँ पे जो मैं पॉज करता हूँ, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, अब पेशेंट आया है
पेशेंट, ये पेशेंट हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चूक भी बहुत वैद्य लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखना है अंगुष्ट मूल पे वैद्य कर्म किया है नहीं तो मैडम ने, तो हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है मैं बताता हूँ। तो अंगुष्ट मूल वैद्य कहाँ पे करते हैं, तो मूत्र विकार में, मूत्रदाह में, मूत्र सर विकार में, सिस्टाइटिस में, अगर मूत्राघात है, 20 प्रकार के मूत्राघात है, अश्मरी है, और ग्रंथ में वर्णित जैसा किया है वृद्धि है, वृद्धि वृद्धि मीन्स हर्निया है, हाइड्रोसिल है, ये दोनों में ये विद्ध कर्म बताया है। कहाँ पे बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अंग विपर्य, लेफ्ट को है तो राइट को करना है, राइट को है तो लेफ्ट को करना है, अंग विपर्यात। ग्रंथ के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगुष्ट मूल्य वेदे अंग विपर्यात, अंग विपर्य मीन्स अगर लेफ्ट में अश्वर्य है तो राइट में विद्ध कर्म करना है, राइट में अश्वर्य है तो लेफ्ट में करना है, कहाँ पे करना है, अंगुष्ट मूल पे वेदन कर्म करना है। यहाँ पे मैं हमारी भारतीय संस्कृति को दाद देना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखोगे मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे ये मराठी में जोड़वे मनता तेला सिल्वर रिंग पहनिए एक अंगुली को, वो वहां पे प्रेस होती है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में ही बताया गया है कि अगर स्त्रियों को मूत्र विकार ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी यूरेथ्रा छोटी रहती है, तो इनको ये मूत्र विकार ज्यादा ना हो इसलिए हमारे संस्कृति में जोड़वा पहना है, और वो वहां पे जहाँ पे प्रेशर आएगा वहां पे वो पॉइंट ही विद्ध कर्म का है हमारा मूत्र विकार का। तो हमारी संस्कृति पहले से सोच के रखी है, लोगों को लगता है अरे क्यों जोड़वे पहनू मैं, क्यों जोड़वे पहनू, अगर नहीं पहनोगी तो मूत्र विकार होंगे, पहनोगी तो नहीं होंगे, मूत्र विकार ना हो इसलिए हमारे संस्कृति में आया है। तो यही पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, लोग जो विद्ध कर्म मेडियली करते हैं यहाँ पे करते हैं, तो हमें लैटरली करना है, कहाँ पे करना है एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भूल जाएगा तो ये वीडियो रिपीट रिपीट देखे करे। तो ये लैटरली जो नेल की मार्जिन है और फर्स्ट फोल्ड के इसके बीच में, समझ में नहीं आ रहा है फिर से बाद में पढ़ लेना, लैटरल मीन्स हमारी जो लिटिल फिंगर है वो साइड पकड़ना है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो ये सिल्वर रिंग है वो देखना है, वो जहाँ पे टच होती है वहां पे हमें ये विद्ध कर्म हम करते हैं, और ये विद्ध कर्म करने से तुरंत अश्मरी निकल जाता है। अभी ये मैडम ने जो पेशेंट को विद्ध कर्म किया है वो पेशेंट अभी नाना पेट में फिर से आके गया था, मुझे लगता है 2013 का वीडियो है, नहीं तो मैडम दूसरे जहाँ पे विद्ध कर्म कर रहे, तो तब उसको अश्मरी हुआ था पेशेंट को, और पेशेंट को ये विद्ध कर्म करने के बाद देखिए लैटरली हो रहा है, तो ये विद्ध कर्म करने के बाद तुरंत ही पेशेंट का दर्द कम हो गया, पेशेंट बेड से ऊपर नीचे निकलते समय दर्द कम हो गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनाटॉमी की तरफ जाऊंगा। अब स्टूडेंट पूछते हैं अरे पैर तो नीचे है, अश्मरी तो ऊपर किडनी में बैठा है, नीचे हम विद्ध कर रहे हैं तो ऊपर का स्टोन कैसे निकलेगा भाई, ऐसा तो सवाल आता है, मॉडर्न वाले भी बोलते हैं, मेरे पास MBBS डॉक्टर खुद आते हैं ये विद्ध कर्म करने के लिए और बोलते हैं कि बाबा सर आप तो नीचे पैर को कर रहे हो, अश्मरी तो ऊपर है। तो ध्यान में रखना, जब हम विद्ध कर्म करेंगे, ये विद्ध कर्म करने के बाद हमारा जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है यूरेटर की वो बढ़ती है। अगर किसी के पास सोनोग्राफी सेंटर है नजदीक का तो जाके देखिएगा, वहां पे विद्ध कर्म करने के बाद पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ती है, और वहां पे पेन कब होता है स्टोन का, जब स्टोन मूव हो रहा है तभी पेन करता है, रेस्टिंग स्टोन कभी भी पेन नहीं करता है, तो मूव हो रहा है तभी पेन करता है। तो हम विद्ध कर्म करेंगे तो वहां से उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जहां पे वो खरोच करके पेन कर रहा है वो जगह से निकल जाएगा, तो वहां से हमें तुरंत पेशेंट बेड से नीचे लेने तक उसको पेन मैनेजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अभी दोषों का अनुबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, वातज पित्तज कफ स्टोन है, ऐसे हमें डायग्नोसिस करके रखना चाहिए, क्योंकि शूल है वातज स्टोन है, पित्त स्टोन में दाह मूत्र है, मूत्र दाह चिमचिमायन रक्त भी दिखेगा, कफ स्टोन है तो मंद मंद रहेगा, तो हम पूरे तीनों भी अश्मरी में हमें ये वेदन कर्म रिजल्ट देता है। दूसरी यही पॉइंट आता है हमारे वृद्धि में, जैसे हर्निया में हम इंडारिक इंग्वाइनल हर्निया है तो यही पॉइंट हमें काम में आता है, लेकिन ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथ में वहां पे दिया है वही जगह पे हमें काट कर अंदर की जो सेवनी है उसको ऊपर निकाल कर हमें वहां पे अग्निकर्म करना है, विद्ध कर्म करके हमें अग्निकर्म करना है, अंग विपर्यात, लेफ्ट का है तो राइट को, राइट का है तो लेफ्ट को, ये कभी भूलना नहीं है। दूसरा है अनुसंधि पे हमें गले विकार पे आया है, अपस्मार पे भी यहाँ पे भी वेदन कर्म बोला है, तो अनुसंधि के ऊपर हम वेदन कर्म करते हैं। ये जो पेशेंट है ये डमी पेशेंट है, मैं अभी 5 दिन पहले पेशेंट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो पेशेंट को
सब म्यूकल फाइब्रोसिस हो गया था और डिस्पेजिया हो रहा है उसको और वो कुछ खा नहीं रहा था। कैंसर के पेशेंट आते उनको नीचे कुछ नहीं जा रहा है, ऐसे पेशेंट में हमें वो डिस्पेजिया कम करने के लिए ये विद्धकर्म बहुत काम में आता है। कोरोना में पेशेंट बोलते थे मुझे खिचखिच हो रही है, विद्धकर्म कर लो निकल जाएगी। लेकिन कहाँ विद्धकर्म करना है, एडम्स एप्पल पे विद्धकर्म करना है। कितना करना है, अर्धवृक्क करना है। एक्सपीरियंस बताता हूँ, पेशेंट है मुझे लगता है कि बात करने में पेशेंट को तकलीफ थी, तो वो पेशेंट को हम देहू कैंप पे वेदन कर्म किया था और बाहर जाने तक पेशेंट को साउंड में चेंजेस आ रहे थे। एब्डोमिनल पेन पे करते समय अर्धवरी वेदन कर्म किया है। यहाँ पे अंगुष्ठोदर प्रमाण में विद्धकर्म ग्रंथ में बताया है, गोप्तेसर विद्धकर्म कर रहे हैं, अर्धवरी ही विद्धकर्म कर रहे हैं। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये पेन हो रहा है मुझे, बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इतनी छोटी सुई से क्या होगा, तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अगर हमारा एब्डोमेन में इंटेस्टाइन है तो वहां पे और एक एनाटॉमी है जो हमें पोलिसमन ऑफ एब्डोमेन बोलते हैं। तो कौन है वहां पे, ओमेंटम है। तो अब किसी ने मुझे चाकू मार दिया पेट पे, तो क्या होगा, तो वो ओमेंटम वहां पे आएगा क्योंकि वो एब्डोमेन का गार्ड है, पोलिसमन है, वो इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करेगा, इसीलिए वहां पे ओमेंटम आएगा, पूरी इंटेस्टाइन को वहां से दूर लेके जाएगा, ओमेंटम ज्यादा से ज्यादा बॉडी को बचाने की कोशिश करेगा। जैसे टैपिंग में करते हैं, हम टैपिंग में अगर सुई डाल रहे हैं टैपिंग करने के लिए उधर में, तो वहां से इंटेस्टाइन थोड़ी दूर जाती है और वहां पे पानी आ जाता है, वही हिसाब से अगर हम विद्धकर्म करेंगे तो वहां से इंटेस्टाइन वहां से दूर जाएगी और फिर से वहां पे जगह पे आएगी। तो ये प्रोसीजर में अगर कोई पेन करने वाली कोई वहां पे संप्राप्ति हो रही है, वो संप्राप्ति हिल जाएगी, संप्राप्ति निकल जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सा निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और हमारा पेन कम हो जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, कोलाइटिस में आता है, एब्डोमिनल पेन है। यही तो दूसरा पॉइंट है, नाभि के नीचे चार उंगली सर विद्धकर्म करते थे, और दूसरा सेम पॉइंट है कि इलिया क्रेट्स के अंदर मीडियली दो उंगली वेदन कर्म, कोलाइटिस में है सर वेदन कर्म करते थे, बुक में भी दिया है। तो ये वेदन कर्म हमें, मैंने जैसे अभी संप्राप्ति बताई है वैसे काम करेगा, लेकिन अंगुष्ठोदर प्रमाण में करना है, ग्रंथ में दिया है, गोप्ते सर के बुक में भी दिया है, अंगुष्ठोदर प्रमाण। ये सब जो विद्धकर्म और अग्निकर्म के जो पॉइंट्स है हमारे सुश्रुत संहिता शारीस्थान में है ही, लेकिन वैद्य राव गोप्ते सर के जो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, मराठी वाले बुक्स है उसमें भी दिया है। बुक्स कहाँ मिलेंगे, जो वैद्य गोप्ते.org ऐसी गोप्ते सर की वेबसाइट अभी लॉन्च की है, गोप्ते सर के बाद वैद्य गोप्ते.org, इसमें बुक्स भी मिलेंगे, डीवीडी मिलेंगे, सीडी मिलेंगी, वहां पे सब आपको मिलेगा, नहीं तो सुश्रुत संहिता शारीरस्थानी वहां पे भी आपको सभी। जिह्वा विकार का बताया था, पेशेंट का एक्सपीरियंस देता हूँ। ये पेशेंट को मैंने वेदन कर्म किया, पेशेंट 6 महीने से कुछ खा नहीं रहा था, टेस्ट नहीं आ रही थी, लिक्विड डाइट पे था। क्यों था, क्योंकि पेशेंट के जबान पे ज्वर, बार बार ज्वर रहने की वजह से उसे कफज जिह्वा विकार हो गया, जड़त्व हो गया, उसको टेस्ट नहीं आ रही थी और कुछ भी ट्रीटमेंट करने से नहीं जा रही थी। तो वेदन कर्म करने के बाद 3rd दिन में पेशेंट को टेस्ट आना शुरू हो गया, तो इतना फास्ट काम करता है। प्रश्न रहता है विद्धकर्म कितने दिन, तो यथासौख्यम यथालाभम हम रिजल्ट आने तक करते हैं, 3 दिन बुलाते हैं पेशेंट को, पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जिह्वा विकार का हो गया, तो दंत विकार में वेदन कर्म करना है, तो दंत मांस में करना है, तो जहाँ पे शूल है वहां पे दंत मांस है, तो वहां पे हम वेदन कर्म करते हैं, निडल ली है और वहां पे हम वेदन कर्म कर रहे हैं। तो दंत मांस पर वेदन करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको, वहां पे रक्तस्त्राव हुआ है, वहां पे रक्तस्त्राव कितना आया है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आया है, लेकिन वहां पे जो दंत शूल करने की जो संप्राप्ति है वो अच्छी तरह से यहाँ पे निकल जाती है। तो यही पेशेंट पे हम अग्निकर्म भी करते हैं। तो अग्निकर्म करते समय आपने, मैंने आपको बताया था कि तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि गता नाम, हड्डियों पे अग्निकर्म करना है तो स्निग्ध अग्निकर्म करना है। तो ये दंतशूल का पॉइंट हम करते हैं, तो दंतशूल पे यहाँ पे हमने मोम रखा है, मोम मीन्स मधुशिष्ट मोम आता है, तो वो मोम रखा है और दंतशूल हो रहा है, वातस्थ था, इसलिए हमने उसको शलाका से गर्म करके उसको पिघलाया है,
वो पिघला के अंदर जाएगा जहाँ पे कृमि रहेंगे, जहाँ पे दंत विकार वहाँ वात वृद्धि की वजह से जो शूल आएगा वो तुरंत कम हो जाएगा। तो हम विद्ध कर्म रक्तज विकार में अग्नि कर्म यहाँ पे वातज दृष्टि ज्यादा होने की वजह से कर रहे हैं, तुरंत इंस्टेंट लाभदायक रहता है। दांत का हो गया, कान का, टंग का हो गया, नोज, कर्ण विकार। तो कर्ण विकार में कर्णपाली समंतर ग्रंथ में सब दिया है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी कम है लेकिन सब पॉइंट कवर होना चाहिए। कर्णपाली समंतर अर्धवरी केशांत संधि, वहां पे हम विद्ध कर्म कर रहे हैं गुप्ते सर, और विदुर मर्म के ऊपर अर्धांगुली, कहाँ कहाँ पे काम में आएगा। कर्ण विकार, कर्ण विकार कौन कौन से, कर्ण शूल, कर्ण नाद, टीनिटस है, कर्ण बाधिर है, जो बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट बोला गया, हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनको बोलते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट क्यों करते जाओ ऐसे मॉडर्न में बोला है, उसका खर्च भी मुझे लगता है 10-15 लाख तक जाता है, लेकिन विद्ध कर्म से हमें पेशेंट में काफी असरदार रिजल्ट मिलते हैं। तो कर्ण विकार, कर्ण शूल, कर्ण बाधिर्य, कर्ण स्त्राव, पुति कर्ण, ये सब विकार में हमें विद्ध कर्म ही अच्छी तरह से आता है। दूसरा पेनाइन डिसऑर्डर, तो वृद्धि में पेनिस के विकार में हमें विद्ध कर्म बताया गया है। ये ज्यादा से ये पेशेंट जो है डमी पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट हमें वीडियो करने नहीं देते हैं, तो ये डमी पेशेंट में हम सिर्फ मार्किंग कर रहे, विद्ध कर्म यहाँ पे दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो पुराने जमाने में वृद्धि के लिए करते थे, हम भी वृद्धि के लिए यहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। और दूसरा है ये पेनिस के नीचे सेवनी के ऊपर वेदन कर्म बताया गया है, ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करता है। एजोस्पर्मिया के इतने पेशेंट पे हम रिजल्ट देते हैं कि ऑर्काइटिस है, वेरिकोसिल है, एजोस्पर्मिया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे पेशेंट में ये विद्ध कर्म काफी अच्छी तरह से हमें रिजल्ट देता है, तुरंत रिजल्ट देता है। रात दहन तक बोलवा आप विकार की तरफ जाएंगे, तब नेत्र विकार में अभी किसी को नेत्र विकार में ज्यादा डीप में जाना है तो मुझे लगता है हमने परसों ही सिर्फ विद्ध कर्म और अग्नि कर्म ईएनटी डिसऑर्डर ऐसा डिटेल लेक्चर लिया है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पूरा लेक्चर के लिए मुझे वहां पे 2 घंटा लगा था सिर्फ ईएनटी के लिए। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ विद्ध कर्म का महत्व बता रहे हैं। अगर आप किसी को विद्ध कर्म अग्निकर्म ईएनटी नेत्र विकार में पूरा डिटेल देखना है, जैसे डायबिटिक रेटिनाइटिस है, रेटिनल डिटैचमेंट है, कर्ण विकार है, सारे इसमें डिटेल में हमें हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप देख सकते हो डिटेल में वहां पे दिया है। तो इसका एग्जांपल बताएंगे, पेशेंट है, पेशेंट को आंख को कंजक्टिवाइल, सब कंजक्टिवाइल हिमोरेज हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको लगा था, मार लगा था, तो पूरा होने के बाद हमने उसको विद्ध कर्म किया, विद्ध कर्म भ्रू मध्य अपांग भ्रू पूछा ऐसी जगह पे किया, लेकिन ये जगह एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्र विद्ध, कर्ण विद्ध, नासा विद्ध, ये बहुत अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा अलग है, आपको ज्यादा पढ़ के इसमें जाना पड़ेगा। ये विद्ध कर्म करने के बाद ये जो पेशेंट को सब कंजक्टिवाइल हिमोरेज था, वो पेशेंट का हिमोरेज आफ्टर 3 सीटिंग, इतने फास्ट हमें पेशेंट देते हैं। अगर कोई आई ड्रॉप डालेगा उसमें एंटीबायोटिक डालेगा उसके फास्ट हमें देते हैं। ये जो हमने पेशेंट किए इनको कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं दिए, सिर्फ हमारे पेशेंट के रिजल्ट। दूसरा मैं पेशेंट बताना चाहूंगा, हमेशा मैं ये पेशेंट बताता हूँ क्योंकि आयुर्वेद को ऊपर लेने जाने में यही वीडियो हमें काम में आते हैं। ये जो देखोगे पेशेंट का टोटिस है, लैग ऑप्थाल्मस है, पेशेंट का एक आई घूम नहीं रहा है, उसका जो आईलिड है वो नीचे गिर गई है, तो पेशेंट को फिर से एक बार मैं प्ले करता हूँ। तो यही पेशेंट को विद्ध कर्म करते समय मुझे लगता है 15 सेटिंग बाद उसका आईलिड घूम रहा है, और ये पूरा खत्म होने के बाद 1.5 महीने के बाद पेशेंट का आंख बंद हो रही है, पेशेंट के आईबॉल्स भी घूम रहे हैं। काफी इसमें सोच विचार करके विद्ध कर्म करना पड़ता है। किसी को आंखों में इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो अलग टॉपिक है, बहुत डीप में है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा इसमें काम हम करते हैं, तो ये एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करेगा। तालु विकार में विद्ध कर्म, जो तालु है
पोस्टेरियर और एंटेरियर पोस्टेरियर वन थर्ड जगह पे सॉफ्ट पैलेट पे हम वेदन कर्म करते तो निचले डेंटल आर्क पे पेन है तो हम नीचे करते ये तालु विकर में ऊपर की जगह पे हम वेदन कर्म सरल कर रहे डमी पेशेंट है पेशेंट पे कुछ बीमारी नहीं है तो ऐसे तालु विकर कौन से आएंगे यहाँ पे तालुदाह रुक्षताह हमारे जो ईएनटी में वर्णित किए तालु विकार दंत विकार सर्विकल फाइब्रोसिस लाइकन प्लानस ये सब विकार में हमें रिजल्ट देता है। सीधा अग्निकर्म की तरफ जाएंगे विद्य कर्म के हमने वीडियो बताया आपको सीधा अग्निकर्म अग्निकर्म करते समय जो एनाटॉमी के स्टूडेंट है या पीजी स्टूडेंट है उनके लिए डर्मेटोम्स का अगर आप पढ़ते हो डर्मेटोम्स जो है एरियाज ऑफ स्किन्स है दैट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल नर्व ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपको अलग अलग तरीके से विद्य कर्म अग्निकर्म के आपको हम बोलेंगे मजा देगा क्योंकि इतना अच्छा तरह से हम आ रहा है शास्त्रीय एनाटॉमिक पे काम करता है शास्त्रीय शास्त्र में जो बता है वो प्रोसीजर पता होना चाहिए हमारे नर्वस सिस्टम पता होनी चाहिए पैरासिम्पैथेटिक पता होना चाहिए सिंपैथेटिक पता होना चाहिए ये नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैडम ने बताया था कि एक शास्त्र पे निर्भर नहीं करना है सब शास्त्र में पता होना चाहिए क्योंकि हम पेशेंट पे एक्सप्लेन करते समय कहाँ पे दबी है कौन से रूट पे दबी है जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जगह जगह पे अलग अलग पेन है जैसे कि पैर पे पेन है S1 रूट में L5 रूट में पूरा पेन है L4 रूट में घुटने के नीचे तक पेन है तो ये एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में सरफेस मार्किंग का वीडियो बताया था तो स्तंभक पे हम वेदन कर्म करेंगे और वहां पे हम अग्निकर्म करेंगे तो अग्निकर्म करते समय मैं एक बताना चाहूंगा कि ये जो अग्निकर्म है ये जो अग्निकर्म कॉलेज में हम देखते थे डायरेक्ट हीटिंग मेटेरियल से करते थे शलाका गर्म की है चटका दिया है सम्यक दग्ध के लक्षण दिखे चट्ट आवाज आया है पेशेंट का अग्निकर्म हो गया है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब स्किन टैग निकालना है तो बर्ड जैसे मस निकालना है त्वचा पे से कुछ ग्रोथ है वो निकालना है तो हम वो अग्निकर्म करते हैं जो अग्निकर्म ग्रंथ में है या पूरी रेड हॉट शलाका करके हम अग्निकर्म करते हैं तो वो कॉस्मेटिक पर्पज में ज्यादा से ज्यादा काम में आता है। लेकिन जब आपको डेप्थ में काम करना है नर्वस टिश्यू पे काम करना है डर्मेटोम्स पे काम करना है ऐसे आपको डिसीज पे काम करना है तो आपको सबसे श्रेष्ठ जो सुवर्ण शलाका है उसको कंडक्शन मेथड से हम अग्निकर्म करते हैं प्रेशर दे के अर्धवृही एक वृही पेशेंट के हिसाब से हम प्रेशर दे के अग्निकर्म करते हैं और कंडक्शन होने के बाद अग्निकर्म हमारा हो जाता है। एक केस में बताता हूँ ये परसों ही केस आई थी ट्विंस में का बच्चा था गर्दन इधर उधर भी नहीं हो रही थी तो पेशेंट को हमने मार्किंग किया तो मार्किंग दो तरह से होती है एक तो होती है अत्यग्रशूले दहेत होती है और दूसरी होती है कि इंटरवर्टिबल डिस्क पे हम करते हैं और वहां से जो नर्वस आपको एनाटोमी का नॉलेज के हिसाब से करते हैं जैसे परसों पेशेंट आया था तो उसको लैटिसिमस डॉर्सी को पेन था लेकिन वो पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो फ्रोजन शोल्डर बोल रहा था तो मैंने चेक करने के बाद उसका लैटिसिमस डॉर्सी पकड़ा और उसके एक ही जगह पे अग्निकर्म करने के बाद पेशेंट का हाथ ऊपर जाने लगा। तो ये शारीरिक रचनाएं भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें शारीरिक रचना पूरी तरह से पता होनी चाहिए। अग्निकर्म विद्य कर्म करते समय जो बात पहले बताई थी आखिरी बात फिर से बता रहा हूँ विद्य कर्म करते समय स्थान निश्चिति है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है दोष दुष्य समूर्चना इंपॉर्टेंट है रक्त धातु इंपॉर्टेंट है मर्म इंपॉर्टेंट है अग्निकर्म करते समय ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अत्यग्रह शूले दहेत हम आंख बंद करके भी अग्निकर्म कर सकते क्योंकि वहां पे जगह की जगह वो दाह देना इंपॉर्टेंट बताया गया। नी पेशेंट है ये पेशेंट मेरा इतना फेमस पेशेंट मैंने इसको किया हर एक व्याख्यान में इसको बताया मैंने ये पेशेंट को क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जो हमारी प्रैक्टिस बढ़ाते थे तो ये पेशेंट जो है अग्निकर्म कर रहा हूँ इनको मेरे क्लिनिक के दो सीढ़ियां भी चढ़ने नहीं आते थे और हम ऐसा हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं ना जब हमारा पड़ोसी हमारा पेशेंट हो जाए तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि पड़ोसी हमारे पास आता ही नहीं कभी सिर्फ देखता है। तो ये पेशेंट मेरे पास आ रहा था तो सब आजू बाजू के लोग देख रहे थे मेरे क्लिनिक के बाजू में भाजी मंडी है मनोकर्णी का औषधालय है तो ये पेशेंट को गाड़ी में से उतर के मेरी तीन सीढ़ियां चढ़ने के लिए आधा घंटा एक घंटा लग रहा था क्योंकि उसको बैक में फ्रैक्चर था नी जॉइंट काम नहीं कर रहा था। तो ये पेशेंट को मैंने
वेटिंग हमारे पास 150-200 पेशेंट रहते हैं और 6-6 घंटे वेटिंग रहती है, लेकिन ये पेशेंट सीधा अंदर आ गया। 75 इयर्स की ये दादी है, तो आने के बाद बोली कि मुझे पेन है, मैं कुछ दवाई नहीं खाऊंगी, मैंने आपका सुना है कि आप चटका देते हो, मुझे चटका दे दो। तो मैंने अग्निकर्म किया, तो पेशेंट 3 दिन आया अग्निकर्म के लिए, और बाद में मुझे पेशेंट आया ही नहीं, मुझे लगा ठीक हो गया पेशेंट। हम ऐसे ही समझते हैं पेशेंट नहीं आया तो ठीक हो गया शायद। तो ये पेशेंट ने मुझे 2 महीने के बाद फोन किया, तो वो पेशेंट बोले कि मैं आपका क्लिनिक 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन मेरा हस्बैंड को परसों हार्ट अटैक आया और मैं उसको खींच के लिफ्ट में बिठाई, लिफ्ट में से गाड़ी में बिठाई और मैंने खुद गाड़ी चला के पेशेंट को एडमिट किया, मेरा हस्बैंड आपकी वजह से जिंदा है, क्योंकि ये जो हुआ है अग्निकर्म से हुआ है, उसने कुछ दवाई नहीं दी थी। तो वो जब पेशेंट आगे आती रही तो आजू बाजू के सब पेशेंट देख के वो पेशेंट का चमत्कार देखे, क्योंकि वो पेशेंट को सीढ़ियां 2 सीढ़ियां चलने में आधा घंटा लगता था और बाद में तो 3-3 घंटे वेटिंग करने के लिए राजी रहती थी कि इतना स्तंभ पेन कम हो चुका था। पेशेंट को फ्रैक्चर था, स्पाइन में फ्रैक्चर था, वहां पे भी अग्निकर्म किया था, लेकिन मुझे बोलना है कि ये पेशेंट हमारे क्लिनिक के कार्यकाल में ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं। मैंने बोला ना अभी 150 पेशेंट हमने देखी, अभी 60 पेशेंट अभी रात 10 बजे से देखना है, लेकिन ऐसे पेशेंट आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने में बहुत सारी मदद करते हैं, क्योंकि आप इनका जो दर्द है वो जल्द कम कर रहे हो। जो हमारा हिल स्पर है, तो अग्निकर्म हम स्पर में करते हैं, तो वहां पे मृत्तिका शलाका करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सूर्ण शलाका है, लेकिन जो स्पर है वो कम करने के लिए हमें मृत्तिका शलाका का यूज करते हैं। ये मृत्तिका शलाका बनाते हैं, मृत्तिका शलाका खुद बनानी है, मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला है मृत्तिका शलाका कैसे बना दिए, तो वहाँ पे कागज रख रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेन यहाँ पे होता है, तो वहाँ व्रण ना हो इसीलिए कागज रखते हैं। ये हमने अभी सुवर्ण का जो अग्निकर्म देखा है, वहाँ कहीं भी अग्निकर्म में हमें पोस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि जो अग्निकर्म मृत्तिका है यहाँ ज्यादा पेन होने के बाद हमें थोड़ा घी लगाना पड़ता है। दूसरा है कॉर्न के पेशेंट है, आपने देखा होगा मैंने अभी सुवर्ण शलाका अग्निकर्म दिखाया, तो अग्निकर्म वो कंडक्शन मेथड से था, तो अभी कॉर्न है, हम लोह शलाका कॉर्न में ही यूज करते हैं, तो ये कॉर्न जलाने के लिए हम लोह शलाका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेड हॉट शलाका करके हम अच्छी तरह से कॉर्न जलाते हैं और अग्निकर्म होने के बाद वहां पे हम एष्टी मधु ग्रोथ, सादा ग्रोथ या कौन सा भी हम जो ग्रंथ में दिए हुए हैं कौन से भी ग्रोथ यहाँ पे यूज करते कर सकते हैं। गुड़ अग्निकर्म है, मुझे लगता है औरंगाबाद का ही पेशेंट है, मेरे साथ नीतू मैडम भी थी तब, तो ये पेशेंट को हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, तो ध्यान में रखना है कभी भी सर भूलते नहीं थे तैल गुड़ स्नेह संधि अस्थि गता नाम, तो संधि स्तंभ हुआ है तो वहां पे स्निग्ध अग्निकर्म करना है, तो गुड़ से अग्निकर्म करते हैं। तो अग्निकर्म करने के बाद जिनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो ऊपर जाता है। मुझे लगता है मेरे पास कम से कम 1200 फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के वीडियोस हैं जो मैंने हमने निकाले, अभी वीडियो लेना भी बंद कर दिया है, इतने फास्ट रिजल्ट आते हैं। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ सर, मुंबई में व्याख्यान के लिए गए थे और एक पेशेंट को स्टूडेंट को फ्रोजन शोल्डर था, तो गुड़ नहीं मिल रहा था, सब सर बोले इक्लेयर्स है क्या किसी पर, तो वो चॉकलेट जो इक्लेयर्स चॉकलेट है उससे सर ने अग्निकर्म किया था। तो यथासौकम यथा लाभ, तो वहां पे प्रिंसिपल क्या है, स्निग्ध अग्निकर्म चाहिए, तो स्निग्ध अग्निकर्म कर लिए हाथ ऊपर गया। तो हमारे गोप्टे सर, वैद्य राबे गोप्टे सर, हमारे अपने गोप्टे सर इतने अच्छी तरह से यथासौकम यथा लाभ करते थे, तो ये सर की ट्रीटमेंट देख के हम हमारा और कुछ और आगे बढ़ाते हैं। तो हेयरफॉल में हम अभी काम करते हैं बहुत सारा अच्छी तरह से, हम अभी पीसीओडी में काम करते हैं, हम थायराइड में काम करते हैं, ये जो डिसीजेस है जो बहुत टाइम लगाते हैं, पिछुड़े के पेशेंट 8-8 महीने लगाते हैं, हमारे विद्य कर्म से तुरंत हो जाता है, पीरियड्स आ जाता है। थायराइड के पेशेंट है 10-10 साल लगाते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट से चालू रहती है, हमारे यहाँ पे 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। वैसे ही बालों के पेशेंट को ट्रीटमेंट कहीं किसी को भी नहीं आता, वीरेंद्र सहवाग देख लो, अमित शाह देख लो, सब टकले है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में हमने विद्य कर्म करना शुरू किया, सर जाने के बाद पता नहीं था कहाँ करना है, तो विद्य कर्म जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं टेंशन करते थे, ये जो लड़का है एमपीएससी का पढ़ाई कर रहा था और लाइब्रेरी में जाके बैठ रहा था, तो इसको
विद्ध कर्म कैसे करे ये तो पढ़ा नहीं था, गोखले सर तो चले गए थे तो वो जगह पता ही नहीं थी, तो रैंडम करना शुरू किए। रैंडम करने के बाद 4 महीने में पेशेंट को सारे बाल आ गए, तो वो पेशेंट कलेक्टर बन गया है ऐसा लग रहा था उसको, क्योंकि इतने लोग पूछ रहे थे उसको कैसे बाल आए कैसे बाल आए। उसका आगे क्या हुआ पता नहीं, कलेक्टर बना कि नहीं बना, लेकिन जब मेरे पास था तो उसको 15-15, 20-20 लोग पूछ रहे थे कि बाल कैसे आए। तो ये फिर स्टडी की, स्टडी करने के बाद उसका निकाले तो परफेक्शन करते समय जो स्काल्प आर्टरीज है वहां पे बहुत सारे पेशेंट, मुझे लगता है कम से कम बालों के 2,500 के ऊपर, मुझे लगता है ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हम हर रोज 150 पेशेंट देखते हैं, महीने के 3,000 पेशेंट होते हैं, साल के 36,000 होते हैं, तो 7-8 साल में कितने पेशेंट हो गए होंगे, उसमें बालों के तो बहुत सारे रहते हैं। तो इतने पेशेंट भी हमने विद्ध कर्म करने के बाद एक डिसाइड किया है, एनाटॉमी पढ़ के गोखले सर के पुराने पेशेंट आने के बाद, जो हमारे स्काल्प वेन है आप गूगल पे सर्च करिएगा स्काल्प वेन, ये तीनों जगह पे हम वेदन कर्म जो दिया है वहां पे करते हैं। तो ये एनाटॉमी के हिसाब से तो कहीं पे भी विधन कर्म नहीं करना है, ये देख के करना है, तो प्रैक्टिस बढ़ती है, पेशेंट बहुत सारे आते हैं। मुझे लगता है हमारी जो ये अभी सीरीज शुरू हो रही है गोखले सर के जन्मदिन से, तो हमारे पास सीख के गए हुए स्टूडेंट आपको बताने वाले हैं कि कैसा वेदन कर्म है। हर एक ने हर एक सब्जेक्ट पे काम किया है, हर एक ने हर एक सब्जेक्ट पे मास्टरी की है, विद्ध कर्म अग्नि कर्म हर एक डिसीज पे कैसा काम करते हैं, ये हमारे सीखे हुए स्टूडेंट आज से 18 तारीख रोज आपको बताने वाले। हर एक को अलग सब्जेक्ट दिया है, उनमें गायनक भी सब्जेक्ट है, उनमें स्त्री रोग है, उनमें श्वास है, उनमें ज्वाइंट पेन है, हर एक को सब्जेक्ट दिया है। और हर एक स्टूडेंट जो हमारा है कम से कम 50-60 पेशेंट हर रोज निकाल रहा है। अभी तक बहुत सारे गोखले सर के स्टूडेंट हो गए हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसे प्रैक्टिस में के हमारे जो स्टूडेंट होके गए हैं उनका हम ये सीरीज रख रहे हैं। वारकरी आयुर्वेद के जो हमारे स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, तो ये सीरीज में सब सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे स्टूडेंट बताने वाले हैं मास्टर की जो उन्होंने प्रैक्टिस में अनुभव किया है, प्रैक्टिस में उनको जो जो डिसीजेज मिली है वो पूरे 7-8 दिन मुझे लगता है 18 तारीख तक 14 दिन बताने वाले ये स्टूडेंट, तो अभी ने इसका अनुभव लेना है। हर एक व्याख्यान में मैं खुद उनका होने के बाद मैं बताने वाला हूँ कि हमारे प्रैक्टिस में जैसे पीसीओडी में है, श्वास में है, जैसे मैडम ने अभी बोला है, तो ये पूरे सीरीज में सर गोखले को ये एक हमारी तरफ से समर्पित है, क्योंकि सर ने हमें सिखाया है, नीतु मैडम को सिखाया है, नीतु मैडम की वजह से मैं सर के पास हूँ, हमें सिखाया और हम अभी सर जो विद्ध कर्म अग्नि कर्म है मुझे लगता है ये 104वां व्याख्यान है। अभी तक मुझे लगता है 70 ऑफलाइन हुए, 70 शहरों में व्याख्यान हुए, पूरे इंडिया में 70 जगह पे अलग अलग जगह पे व्याख्यान हुए हैं, और वेबिनार तो साल से चल ही रहे, उसकी तो गिनती बंद की है, क्योंकि हमारा एक ही आयुर्वेद स्टूडेंट को जितना ना आयुर्वेद की तरफ लेके आना है, क्योंकि आयुर्वेद स्टूडेंट हम देखते हैं एमपीएससी की तरफ जाते हैं, जॉब के लिए भागते हैं या हॉस्पिटल में जॉब करने का सोचते हैं मॉडर्न में, तो हमारा आयुर्वेद इतना श्रेष्ठ है तो ये पूरी तरह से आयुर्वेद आगे हम लेके जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद का काम कर सकते हैं। तो कहीं पे भी कहीं भी हो, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, फोन नंबर है, कहीं पे भी फोन कर सकते हो। हरी जगह है, पुणे में है, चिंतपण में, नांदेड़ में, देहू में, यहाँ पे मैं रहता हूँ, लेकिन आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो वहाँ आपके नजदीक कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट मिलेगा। कोई औरंगाबाद के स्टूडेंट हो तो नीतू मैडम के पास जाके सीख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है गुरु शिष्य परंपरा जैसे ही काम रहता है आयुर्वेद में, आप योग्याभ्यास करोगे तो ही आपको विद्या कर्म अग्नि कर्म समझेगा, आप प्रैक्टिकली देख के करोगे तो ही आपको अच्छे तरह से कर पाओगे, नहीं तो अपेंडिक्स की सर्जरी आप यूट्यूब पे देख के करोगे क्या, नहीं कर सकते ना। वैसे विद्या कर्म अग्नि कर्म शल्य का भाग है, तो आपको ये पढ़ के देख के अनुभव करके, और जो भी आपको हमारे जो वैद्य लोग है या हमारा जो सेंटर है पुणे में वहां पे आके आपको देखना है, हाथ में निडल लेके हमारे सामने करना है और वो एक्यूरेसी से करना है,
आप कहीं पे भी हो, नांदेड़ में हो, औरंगाबाद में मैडम है, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी हो, लेकिन एक्यूरेसी से सीखना है। मुझे यही बताना है, अभी बहुत सारे अभी तक 2 से 3 हज़ार तक स्टूडेंट आके चले गए, अच्छी तरह से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा बच्चे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितना ज्यादा स्टूडेंट के तरफ ये आयुर्वेद पहुंचेगा, ये विद्धकर्म अग्निकर्म पहुंचेगा, तो वो उतना ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद को स्टूडेंट आएंगे। और हमारा एक ही है, शास्त्रो रक्षति रक्षित, शास्त्र का रक्षण करना है, आयुर्वेद का रक्षण करना है, हमारा रक्षण अपने आप होने वाला है। तो कहीं पे भी आ जाओ सीखने के लिए, हम तत्पर है। वैद्य गोगटे .org जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे आपको सर की DVD और सर की पुस्तक तीनों लैंग्वेज में, मराठी इंग्लिश हिंदी में मिलेंगे। विद्धकर्म.com पे हमारे वैद्य राव गोगटे सर के अनुभव और हमारे सेंटर के वहाँ पे लिंक्स है। अग्निकर्म.org है, हमारे क्लिनिक का एड्रेस है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पेशेंट के रिप्लाईज, पेशेंट कैसा महसूस करते हैं, सब आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी आज वारकरी आयुर्वेद से आई है कि वैद्य राव गोगटे सर के जन्मदिन पे सर के बारे में बताने का जो मौका मिला है, इससे मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ। और हमें वैद्य रामदास आवाड़ सर जी ने भी मार्गदर्शन किया है, उनका भी मैं बहुत सारा आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यह मार्गदर्शन हमारे जैसे नए वैद्य के लिए एक बूस्टर डोज जैसा ही है। आपका हर लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आयुर्वेद एक इजी वे में सिखाने का तरीका हमारे जैसे नए वैद्य को और वैद्य को आयुर्वेद सीखने को आसान बनाता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आज के सत्र के प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर रामदास आवाड़ सर जी के शुभकामनाएं और आशीर्वाद, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तथा आज के प्रमुख व्याख्याता डॉक्टर नीता मैडम आज के युवा पीढ़ी के महिला वैद्य के लिए एक मार्गदर्शक है। तथा आज तक के लेक्चर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विद्धकर्म ऑन इमरजेंसी, ये आज हमें मैडम की वजह से देखने को मिला, उसके लिए श्री वारकरी आयुर्वेद मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सभी वैद्य शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे साथ हैदराबाद से डॉक्टर सुचित्रा छल्ला मैडम जुड़ने वाली है, जो कि नेत्र विकारों में विद्धकर्म कैसे काम करता है या फिर नेत्र विकार में विद्धकर्म कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और तथा सत्र के लास्ट में जैसे देशमुख सर ने बोला कि एक सुपर एडवाइस की तरह से डॉक्टर देशमुख सर का हमें मार्गदर्शन मिलेगा 15 मिनट, तो हम कल के लेक्चर में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।